इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार हम उस सर्वशक्तिवान परम पिता की स्मृति में 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। मैं बड़ौदा से पधारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर विराजित हमारे माननीय वक्ताओं का गुलदस्तों एवं बैजेस से स्वागत करें। भ्राता मोहन सिंघल जी, आप सभी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। रंजन बहन जी, सुशांत भाई, कहते हैं कि 18वीं सदी ज्ञान में उन्नति की सदी थी, 19वीं सदी को वैज्ञानिक आविष्कारों की सदी कहा गया। इस सदी में नए नए आविष्कार हुए और मनुष्य को सुख के साधन प्राप्त होने लगे। 20वीं सदी को हम सूचना क्रांति की सदी कह सकते हैं, जिसने संपूर्ण विश्व को एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तन कर दिया। इस सदी में समाज के सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से परिवर्तन हुए, जितने कि पिछले 1000 सालों में भी मानव इतिहास में नहीं हुए। लेकिन इन परिवर्तनों में अगर प्रगति थी तो कुछ बुराइयां भी थी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति हुई, लेकिन शिक्षा ने विद्यता प्रदान की, परंतु वो मनुष्यों में महानता और नैतिकता के बीज अंकुरित नहीं कर पाई। भौतिकता का अत्यंत विकास हुआ, लेकिन धर्म और आध्यात्म की शक्ति क्षीण होने लगी। मनुष्य के सामाजिक उत्थान की ओर तेजी से कदम बढ़े, लेकिन विकृतियों और मनोविकारों ने इस उत्थान पर जैसे काली चादर डाल दी। मानव के मूल्यों में भी तीव्र गति से परिवर्तन हुआ। जिन मूल्यों से मनुष्यों को महान माना जाता था, उन्हीं मूल्यों से उसे हीन और कमजोर समझा जाने लगा। आज विश्व में शुभ भावना, सहयोग की भावना, सहनशीलता और धीरज जैसे गुण तीव्र गति से विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि स्वार्थ जो है वो सब जगह अपना शासन जमा चुका है। लेकिन हम कैसा विश्व चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसा विश्व जहां सर्वत्र शांति हो, जहां मनुष्यों में निस्वार्थ और प्रेम का भाव हो, जहां तनाव मुक्त, बोझ और चिंता मुक्त जीवन हो, जहां सब स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। तो कैसे हम ऐसे विश्व की स्थापना कर सकते हैं? निश्चित है इसके लिए हमें पुनः मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी होगी। तो इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं सर्वप्रथम अनुरोध कर रही हूं भ्राता सुशांत जी को। आप मीडिया विंग के असिस्टेंट नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। पिछले 20 वर्षों से आप राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। दिल्ली में आप ब्रह्मा कुमारीज की प्रेस से संबंधित सेवाओं की जिम्मेदारी संभालते हैं और इसके अलावा
आप एक कंपनी में सिटी बैंक एसोसिएट कंपनी एग्जीक्यूटिव हैं, आपसे अनुरोध है कृपया विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। भ्राता सुशांत जी। ओम शांति। मंच पर आसीन आज की सत्र की चेयरपर्सन मोहन सिंगल जी, भ्राता जय कृष्ण गौड़ जी, कृष्णचंद्र मौली जी, आर के शर्मा जी, डॉक्टर मनोज लोढ़ा जी, बहन रंजना जी, आज की मंच की संचालिका सविता बहन जी तथा सभा में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस को प्रतिनिधित्व करते हुए जो भी देश के कोने कोने से आए हुए हैं हमारे मेहमानगण, आज का टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट है, सरोकारिता रखता है हमारे जीवन से, जीवन के उद्देश्य से, समाज को बेहतर बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इसको हम तीन हिस्सा में बांट सकते हैं, जैसे आज की टॉपिक है रेस्टोरिंग मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन 21st सेंचुरी। हम क्यों चाहते हैं, व्हाई, मोरल और सोशल वैल्यूज को रेस्टोर करना जरूरी है। दूसरा, कौन कर सकते हैं, और लास्ट, हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। पहला हिस्सा है कि क्यों ये जरूरी है, रेस्टोरिंग मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। रेस्टोरिंग का मतलब है कि पहले ये मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज सोसाइटी में था, लेकिन अभी है नहीं, अभी उसको पुनर्स्थापना करने की जरूरत है। तो क्यों जरूरत है, हम सब जानते हैं कि आज की समस्याएं दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मीडिया वर्ग का तथा अन्य वर्गों का यही एम होता है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल जो जस्टिस है, इक्वालिटी है, और जो अल्टीमेट गुड ऑफ द सोसाइटी है, उसको हासिल करने के लिए होलिस्टिक हेल्थ हार्मोनी और हैप्पीनेस को समाज में स्प्रेड करने के लिए ये आवश्यक है। इसी ही हॉल में 28 अप्रैल को भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए थे, तो उन्होंने जो बात कही है, आज की जो सब्जेक्ट है, जो प्रसंग है, उसके लिए बहुत ही आनुषंगिक है। उन्होंने कहा कि दो एम एंड ऑब्जेक्टिव आज की सिचुएशन में हमें हासिल करने के लिए सतत प्रयत्न करना आवश्यक है। वो है एक बहुत अच्छा नागरिक को इवॉल्व करना, इवॉल्विंग एन एनलाइटेंड सिटीजनरी, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके लिए हमें क्या करना है, और दूसरा, टू एंड द एवर वाइडनिंग एवर इंक्रीजिंग गैप एंड डिस्पैरिटीज बिटवीन रिसोर्स हैव्स एंड रिसोर्स हैव नॉट्स, वेरी रिच एंड वेरी पुअर कंट्रीज और पीपल। ये दो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन्होंने तीन कंपोनेंट सजेस्ट किए थे, जो कि
आज की टॉपिक के मुताबिक है। पहला कंपोनेंट है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें वैल्यूज की पुनर्स्थापना, एजुकेशन इन वैल्यू सिस्टम, बच्चों से लेके पेरेंट्स तक सबको इस वैल्यू एजुकेशन की कोई भी प्रोफेशन में हो जरूरत है। चाहे बच्चे पेरेंट्स को मोटिवेट करें, उन्होंने ये कहा था कि 250 मिलियन फैमिलीज में से 50 मिलियन फैमिलीज ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट, जिनके अर्निंग मेंबर्स ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, तो उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उनको करप्शन फ्री करने के लिए, जो करप्शन की देश की प्रोग्रेस को स्टिफल करता है, हैम्पर करता है, तो बच्चों का बहुत बड़ा योगदान उन्होंने कहा था, यूथ और चिल्ड्रेन कैन मोटिवेट देयर पेरेंट्स टू बिकम करप्शन फ्री। सिमिलरली इस वैल्यू एजुकेशन के दौरान इन्होंने ये भी कहा था, पेरेंट्स का भी यही ड्यूटी बनता है कि बच्चों को जो आजकल टीवी तथा इंटरनेट की एडिक्शंस है, उससे बचाना, उससे डिमोटिवेट और डिजिस्ट कराना ये बहुत आवश्यक है, जिससे कि जिस एडिक्शन से कि कल्चरल पोल्यूशन और कॉल्ट ऑफ वायलेंस जो है वो सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। तो प्राइमरी लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक इस वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा देना आवश्यक है, ये डॉक्टर कलाम जी ने कहा था। और दूसरी बात, उन्होंने ये सोसाइटी में हारमोनी और यूनिटी इंटीग्रेशन को रेस्टोर करने के लिए यही कहा था कि जितने भी रिलीजियस फोर्सेस है उसको एक स्पिरिचुअल फोर्स में इवॉल्व करना, डेवलप करना, ये बहुत आवश्यक है। देयर आर नो डर्थ ऑफ फोर्सेस ऑफ गुड, लेकिन उनको यूनाइट करने की आवश्यक है। आज फोर्सेस ऑफ इविल्स आर मोर प्रोमिनेंट देन फोर्सेस ऑफ गुड, तो इसलिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, स्पिरिचुअल बॉडीज तथा सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेटर्स, टीचर्स, यूथ और जो भी एनजीओज, लाइक माइंडेड ऑयल मीनिंग एनजीओज हैं, वो यूनाइटेड हो, कॉमन प्लेटफॉर्म बने और उसके आधार पर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं और ये जो सोसाइटी में जो डिस्पैरिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्विटीज़ है, जिसके कारण करप्शन, एक्सप्लोइटेशन ये बढ़ रहा है, उसका रोकथाम हो सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जी वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पोअर कंट्रीज, उसको अब्रीज करने के लिए ये एक न्यू वर्ल्ड बॉडी चाहिए और ये न्यू वर्ल्ड बॉडी के लिए, फ्रेश वर्ल्ड बॉडी के लिए ब्रह्मा कुमारीज मूवमेंट जैसे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस का हेल्प बहुत ज़रूरी है और इसको एक सस्टेन्ड वे में, एक कैंपेन के रूप में इसको प्रसार किया जाए, इस मैसेज को, वैल्यूज को, इसको त्वरान्वित किया जाए। तीसरी जो कारण है क्यों ये वैल्यूज चाहिए, उसके लिए वो कारण बहुत ही वाइटल है कि हम आज जो भी डेवलपमेंट किए हैं वो आज सस्टेनेबल नहीं है, वो लॉपसाइडेड है। जैसे अभी बहन जी ने कहा कि मैटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को, कंपोनेंट्स को हम ज़्यादा स्ट्रेस दिए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा स्ट्रेस दिए हैं, स्पिरिचुअल, मोरल और एथिकल कंपोनेंट्स को हमने नेग्लेक्ट किए हैं, इग्नोर किए हैं, इसलिए हमारा जो डेवलपमेंट है वो लॉपसाइडेड है। तो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट का जो रिजल्ट है वो आप सब जानते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, कैरेक्टर क्राइसिस, जिसके कारण जो भी करप्शंस हो रहा है, क्राइम्स हो रहा है सोसाइटी में, वो इसकी नतीजा है। तो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट को हम अगर सस्टेनेबल और होलिस्टिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना हो तो सोशल और मॉरल वैल्यूज को सोसाइटी में रेस्टोर करना बहुत आवश्यक है। अब सवाल आता है, हु कैन डू इट, कौन कर सकता है? सब सबकी सहयोग बहुत आवश्यक है, कोई भी प्रोफेशन हो,
कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी स्तर पर काम करते हो, सब सोसाइटी के हिस्से हैं। सबकी कंट्रीब्यूशन से, पॉजिटिव कोऑपरेशन से ये हो सकता है। खास करके मीडिया का जो आज की 21st सेंचुरीज में जिस प्रकार की पावरफुल पोजीशन है, आज एन इंफॉर्मर, एजुकेटर, एंटरटेनर, मोटिवेटर, मोल्डर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, आज ए कैटलिस्ट, आज एन एजेंडा सेटर, ये हम सब जानते हैं। तो इसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन विथ मिशनरी जिल ये आवश्यक है, और मीडिया ही एक कोऑर्डिनेटर का काम कर सकता है डिफरेंट लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, उनको जोड़ के, जैसे डॉक्टर कलाम ने कहा कि एक स्पिरिचुअल फोर्स को इवॉल्व करना है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो मीडिया का योगदान होने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या पैराफर्निलियाज अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं, वो बहुत आवश्यक है। ये थर्ड एस्पेक्ट है कि रेस्टोरिंग मोरल एंड सोशल वैल्यूज को हम सोसाइटी में कैसे रेस्टोर करें, ये इसकी थर्ड एस्पेक्ट है। हम जानते हैं और पिछले सेशनों में हम सुने हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया एक पॉजिटिव रोल, एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोल अदा कर सकता है। ये एक मिथ है कि मीडिया इज ए साइलेंट एंड म्यूट ऑब्जर्वर टू ऑनगोइंग हैपनिंग्स, इंसिडेंट्स एंड ऑल इनजस्टिसेस परपेट्रेटेड ऑन पीपल एंड सोसाइटी। इसका एक म्यूट ऑब्जर्वर नहीं रह सकता है, मीडिया को एक्टिव रोल प्ले करना होगा। कई कहते हैं मीडिया एक्टिविज्म इज ए मिथ, मीडिया कभी एक्टिव नहीं हो सकता है। बाई इंसेप्शन एंड बाई फॉर्मेशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट हैज टू रिमेन न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव। लेकिन साथ साथ वो न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी तभी आता है जब वो सकारात्मकता से जुड़ जाता है। जैसे हम इंडियन माइथोलॉजी महाभारत में देखते हैं, कृष्ण जी को कहा गया था कि आप ऑब्जेक्टिव रहो, आप न्यूट्रल रहो, आप इम्पार्शियल रहो, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी का जो ट्रू डेफिनेशन है वो पब्लिक गुड्स के साथ, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, और जिसको हम कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं महाभारत में कृष्ण जी ने कैसे अच्छाई के साथ दिया था, और अच्छाई को दुनिया में स्थापन करने के लिए, एक सद्धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने उस महाभारत लड़ाई में एक मीडिया का, एक होलिस्टिक मीडिया पर्सन के रूप में, एक स्पिरिचुअल मीडिया पर्सन के रूप में, एक सल्यूशन ओरिएंटेड जर्नलिस्ट के रूप में उन्होंने मेडिएट किए थे बिटवीन पांडव एंड कौरव्स। तो ये चीज आज भी जरूरत है मीडिया वर्ग के लिए कि सोसाइटी को, जिस सोसाइटी से हमने इतना पाए हैं, जिस सोसाइटी ने हमें यहाँ तक लाने में जो योगदान दिया है, उस सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं? क्या अपनी सेल्फ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट में ही अपने को अपना सल्वेशन ही समझें, अपनी इंद्रियगत सुख और फैमिली के दायर के अंदर ही हम ये सब कुछ समझें? तो सोसाइटी को हम देने के लिए, जैसे पिछले सेशंस में हमने सुने हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और सेल्फ सर्चिंग, सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है, और अपनी कॉन्शियसनेस, एटीट्यूड, कैरेक्टर और कंडक्ट को ऊंचा बनाने की आवश्यक है, पॉजिटिव और बेनिवोलेंट बनाने की आवश्यक है। उस हिसाब से हम अगर अपनी
कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करें, ट्रेन करें और स्ट्रेंथन करें थ्रू ए प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट विथ प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, यूनिवर्सल वैल्यूज एंड राजयोगा मेडिटेशन, तो हम एक एम्पावर्ड स्ट्रेंथन जर्नलिस्ट के रूप में हमारे जो भी कॉन्शियसनेस यानी चेतना होगा, जो भी हमारे माइंडसेट यानी मनोदशा होगा, उस अनुसार हमारा क्रिएशंस, प्रोडक्शंस, पब्लिकेशंस उसी अनुसार होगा और वही हमारे समाज के लिए एक योगदान होगा और वही हमारे क्रेडिबिलिटी को समाज में पुनर्स्थापना करेगा। क्योंकि आज चारों स्तंभों में से मीडिया का क्रेडिबिलिटी ऊंचा है, लेकिन साथ साथ इसका क्रेडिबिलिटी भी काफ़ी हिस्सा तक पब्लिक के मन में ये आ गया है, मीडिया भी इस करप्टेड ये जो वाइसेस की जो वायरस है उससे अछूत नहीं रहा है, मीडिया में भी ये पनप रहा है। तो इससे हम अपने को बचाने के लिए अगर हम क्रेडिबल लोगों के सामने अपने को स्थापित करना चाहते हैं तो ये वैल्यूज़ को हम पहले अपने जीवन में उतारें और वही हमारे जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, जो ट्रेडिशन है, जो हेरिटेज है, उसके आधार पर हमारे जीवन को ढाले और वही गांधीयन इकोनॉमी, गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन प्रैक्टिसेस तथा बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ मिडिल पाथ, राइट कंडक्ट, राइट एटीट्यूड, राइट थिंकिंग, जो आठ अष्टांग मार्ग उन्होंने दिखाया था उसके आधार पर हम जीवन को ढालें, स्पिरिचुअलिटी के आधार पर हम अपने करेक्टर को ऊंचा बनाएं, आउटलुक को पॉजिटिव बनाएं, तब हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि सोसाइटी में जो डिफ्यूजन है, जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसको जोड़ने का जो कैटलिस्ट के रूप में काम करने का जो उत्तरदायित्व है वो मीडिया वर्ग के ऊपर है और कोई इसको कर ही नहीं सकता। चाहे कितने भी लॉ बना लें, चाहे कितने भी एनफोर्समेंट कर लें, लेकिन जब तक ये सेल्फ रेगुलेशन के हिसाब से और सेल्फ इंड्यूस्ड चेंज नहीं होगा, तब तक चेंज बाय फोर्स विल नॉट बी सस्टेनेबल, वायबल। उसका भी एंटीडॉट्स, एंटीपैथी एक रिवॉल्यूशन के रूप में या उसको ख़त्म करने के लिए भी वो खड़ा हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिकता के आधार पर अगर अपनी अंदर से ये चेंज और ये सोसाइटी के लिए जो हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ त्याग करना चाहते हैं, कुछ तपस्या करना चाहते हैं, वो अगर अंदर से आए ना कि बाहर से थोपा जाए, जैसे कहा गया कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए जर्नलिस्ट लोगों के लिए, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट बना ही हुआ है लेकिन कौन उसको पालन करता है। मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म आज प्रेस काउंसिल के बारंबार समन आने के दौरान भी मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म उसको खातिर नहीं करते हैं, दे अवॉइड प्रेस काउंसिल बिकॉज प्रेस काउंसिल हैज नो पावर टू एनफोर्स। कोड ऑफ कंडक्ट कितने ही बना लें, लॉ से हम अपने आचरण को सुधारने का प्रयास ना करें, लेकिन अपनी स्वइच्छा से, स्वप्रवृत्ति से, थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, थ्रू प्रॉपर वैल्यू ओरिएंटेशन, हम अपने चिंतन को, अपने दृष्टि को, अपने कृति को अच्छा बना सकते हैं। और कहा गया है कि अगर मीडिया अपनी जीवन शैली, लिखन शैली तथा प्रोडक्शन की स्टाइल को अगर चेंज करें और ये कल्चरल पोल्यूशन को अगर कंटेन करने के लिए, उसको रोकथाम के लिए अगर प्रयास करें, उसके लिए उसको तय करना होगा प्रेय क्या है, श्रेय क्या है। लोगों के लिए प्रेय कुछ हो सकता है लेकिन वो श्रेय नहीं है, वो हितकारी नहीं हो सकता है। जैसे बच्चे के लिए कोई चीज़ प्रिय हो सकता है लेकिन उसके लिए वो हितकारी नहीं है, ऐसे एज ए गाइड एंड पेरेंट्स टू द ऑडियंस मीडिया यही
जज करना पड़ेगा मीडिया को कि कौन सी चीज पब्लिक के सामने हम परिवेषण कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। तो बात सवाल उठता है, हु विल बी द जज, हु विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर द पब्लिक एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर द पब्लिक। तो कोई कहता है कि जी जो लीडर्स हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं वही करेंगे। कोई कहता है जुडिशियरी करेगा, कोई कहता है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी करेगा द कोड ऑफ कंडक्ट और द थिंग्स कंटेंट्स टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द पब्लिक। लेकिन अल्टीमेटली बात वही आता है कि इट इज द जर्नलिस्टिक गुड सेंस, इट इज द कंसाइंस ऑफ द जर्नलिस्ट, ही इज द अल्टीमेट व्हाट टू बी प्रेजेंटेड व्हाट नॉट टू बी प्रेजेंटेड, और उसी के आधार पर समाज की लोगों की मनोदिशा बनता है। तो इसलिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया के ऊपर। अगर इस मनोदिशा से हम काम करें कि हमें सोसाइटी को अच्छा बनाना है और ऐसे हमारे से कुछ ना हो जो कि सोसाइटी में क्लीवेजेस, कन्फ्लाग्रेशन, वायलेंस या कोई भी प्रकार की विसंगता उत्पन्न हो, ऐसा कोई हमारे लेखनी से ना हो, इससे हम कितने बड़े पाप की भागीदार बनते हैं। या ऐसे कोई छवि हम प्रस्तुत ना करें जिससे यूथ के, चिल्ड्रेन के मनोदिशा जो है कंस्ट्रक्टिव के बजाय डिस्ट्रक्टिव रास्ते के और पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव के ओर चल पड़े, उसका भी जो बोझा है, उसका जो पाप है, वो भी जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर आता है। ये एक लॉ ऑफ नेचर है, ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। इसको भी हम ध्यान में रखते हुए अगर अपनी कार्यशैली को उस अनुसार पूट दे, और इसमें बात आता है कि इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट, तो कहाँ तक वो इंडिपेंडेंट और फ्री है अपनी कंसाइंस को एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी जर्नलिस्टिक गुड सेंस को एक्सरसाइज करने के लिए। इसमें ऑब्स्टेकल्स आता है फ्रॉम डिफरेंट फ्रंट्स, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट भी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, परिवार को चलाना है, पॉलिटिकल प्रेशर्स है, कॉरपोरेट टेम्पटेशंस एंड एल्यूरमेंट्स हैं। तो उसको, इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए व्हिच कम्स टू योर एड इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पावर, मोरल करेज, मोरल बूस्ट। ये अगर हम अपना लें स्पिरिचुअल इनर एम्पावरमेंट के आधार पर, तो कोई भी शक्ति नहीं है दुनिया में जो हमारे मिशन से, जो हमारा आइडियल्स है, जो नोबल ऑब्जेक्टिव है, जो मीडिया का है आज ए पावरफुल फोर्स इन डेमोक्रेटिक सेटअप, उस ऑब्जेक्टिव से हमें कोई वंचित नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत है, इराक वॉर से लेकर बीबीसी के इंस्टांसेस से लेकर बहुत सारे इंस्टांसेस है, जो समय कम है, जो कि मीडिया अपना ओनर्स का दबाव होते हुए भी, पॉलिटिकल प्रेशर होते हुए भी अपना इंटीग्रिटी को, अपना करेज के साथ इंटीग्रिटी को कायम रखा है और जर्नलिस्टिक वैल्यूज और जर्नलिस्टिक जो आइडियल्स है उसको कायम रखा है। तो मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वी आर आंसरेबल टू नोबडी, नो ऑर्गेनाइजेशन, नो पावरफुल फैक्टर्स, बट ओनली टू आवर कंसाइंस एंड टू द सुप्रीम एंड कीपिंग इन व्यू द हाइएस्ट गुड ऑफ द हाइएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपुल, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपुल। इसको अगर हम ध्यान में रखें और स्पिरिचुअलिटी को अपना टूल बनाए, आधार बनाए, तो ना मैटेरियलिज्म हमसे दूर रह सकता है, मेटेरियल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हमसे दूर रह सकता है, ना हमारे पब्लिक गुड को कोई हानि पहुंच सकता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सुशांत जी, आपने हमें कुछ समाधान दिए। यदि हम 21वीं सदी में मूल्य पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो बच्चों को मूल्य शिक्षा देना अनिवार्य है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का भी आपने उदाहरण दिया। वास्तव में उन्होंने बताया कि मैंने अपने बचपन में स्कूल में जिन महापुरुषों की कथाएं सुनी उनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा,
और उसी के कारण आज मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं। और इसलिए उन्होंने जोर दिया कि बच्चों को मोरल वैल्यूज़ की शिक्षा ज़रूर दी जानी चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि यदि हम विश्व में हारमोनी या यूनिटी लाना चाहते हैं तो हमें रिलीजियस फोर्सेस को स्पिरिचुअल फोर्सेस में परिवर्तन करना आवश्यक है। तीसरा, एक न्यू वर्ल्ड बॉडी हमें बनानी चाहिए जो विश्व में अमीरी और गरीबी की जो खाई है उस खाई को पाट सके। इसके लिए मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो, और स्पिरिचुअल फोर्सेस को इवॉल्व करने में मीडिया एक कोऑर्डिनेटर का काम करे। अब मैं निवेदन कर रही हूँ भ्राता जय कृष्ण गौर जी से, आप इंदौर से पधारे हैं, स्वदेश डेली समाचार पत्र के आप मुख्य संपादक हैं, ब्रह्मा कुमारी से आप पिछले 3 वर्ष से संपर्क में हैं, सोसाइटी ऑफ मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज के आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आपसे मैं निवेदन करती हूं कि इस विषय पर प्रकाश डालें। भ्राता जय कृष्ण गौर जी। ओम शांति। आज के चेयरपर्सन बीके मोहन जी, भाई सुशांत जी, कृष्ण चंद्र मौली जी, आर के शर्मा जी, मनोज लड्ढा जी, बी के राजन जी, और सामने उपस्थित सारे मीडिया कर्मी भाई बहन, आज तीसरा दिन है और मीडिया की व्यथा कथा पर बहुत कुछ बातें कही गई है। मीडिया की दिशा कैसा होना चाहिए, व्यावसायिकता क्या होना चाहिए, मल्टी प्रिंट मीडिया है, टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ रही है, और सारी बातें ऐसी कही गई है, और बहुत सारे नेगेटिव रोल है मीडिया का, किसी से सहमति हो सकती है, किसी से असहमति हो सकती है। आज सुबह भी हम बैठे थे नाश्ता के, उसमें तो एक बहन कह रही थी कि आप लोग एक नए जो यहाँ पे आए हैं वो उनको बता रहे थे कि आप लोग यहाँ पे बुलाते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, परंतु जो जड़ है इसकी, और जड़ में कौन है कि उसके मालिक, मीडिया का जो मालिक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, प्रिंट मीडिया का हो, या उसका संपादन का जिसको अधिकार है, संपादक जिसे कहते हैं, हालांकि संपादक इंस्टीट्यूशन कितनी क्या है, कैसी महत्व है, वो भी आजकल अलग विषय है, परंतु जो संपादन का अधिकार है, उन लोगों को जब तक आप नहीं ठीक करते, उन लोगों को ठीक से दिशा नहीं देते, तब तक कुछ ठीक से सुधार नहीं हो सकता। बात सही है, व्यवहारिक है, और ये दिखाई भी देता है बहुत कुछ कि हमारा बहुत कुछ समाज की जो बातें हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति का, सभ्यता का जिस प्रकार से आक्रमण के दें हम हो रहा है मीडिया के माध्यम से, और किसी भी, ये भी सही बात है कि आज हम एक खिड़की बंद करके नहीं रख सकते, कारण कि बहुत सारे दुनिया एक हो गई है, सारा सूचना का भी एक क्षण में सब दूर सूचना पहुंच जाती है, तो उसको खिड़की बंद करके भी नहीं रख सकते, पर इतना तो कर सकते हैं कि जिस दर से खिड़की से कचरा ज़्यादा आता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है, उसको कम से कम बंद कर लें, ये तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 दिन से जो मंथन चल रहा था और काफ़ी लोग आए, विक्रम राव जी का तो ये कहना है, वो काफ़ी दिन से वर्किंग जर्नलिस्ट जो भी श्रमजीवी पत्रकार है उनसे का संगठन नेतृत्व कर रहे हैं, उनका तो कहना है कि जो चारों स्तंभ है, एक जो हमारा विधायिका है, जो हमारी कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जो संवैधानिक स्तंभ है, उनका डिवोल्यूशन हो रहा है, वो उनका अवमूल्यन हो रहा है, और चौथा जो रिकॉग्नाइज जनता के द्वारा है स्तंभ, जिसे हम मीडिया का स्तंभ कहते हैं, उसका भी सही दिशा नहीं है, इस प्रकार से उनका मानना है। तो इन सारी परिस्थितियों में हमको क्या करना है, हम कितना क्या कर सकते हैं, कभी सभी क्या होता है कि मीडिया का रोल नेगेटिव है, मैं इसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मीडिया का रोल बिल्कुल ही नेगेटिव है ऐसी बात नहीं है, सूचना का है, रोज अखबार सामने आता है, टेलीविजन देखते हैं लोग, देखने की जिज्ञासा है, और कितने ही मुद्दे ऐसे हैं देश में कि जिनसे एक मुद्दे के कारण मीडिया ने उठाए,
पार्लियामेंट में जितने आप सर्वे कर लीजिए, जितने भी मुद्दे उठे हैं वो वहाँ के लोगों ने नहीं उठाए, पार्लियामेंट के मेंबरों ने नहीं उठाए, वो उठाए हैं मीडिया ने। बोफर्स का मामला लो, किसने उठाया? मीडिया ने उठाया था। और वहाँ और उसके कारण राजनीतिक बदलाव आया। बोफर्स कौन क्या है, किसने दलाली ली, ये तो एक विषय अब भी चल रहा है। परंतु जागृति करने के लिए एक मुद्दा पार्लियामेंट में गया और एक उठा। तो हमको क्या करना है कि आज बहुत सारे वोल्कर का मामला है, बहुत सारे मामले हैं जिनको सर्वे कर लीजिए तो अधिकांश मुद्दे जो हैं पार्लियामेंट में वो मीडिया के द्वारा उठाए गए, उससे जागृति पैदा हुई और उससे लोगों का ओपिनियन बना और उसके लिए बदलाव आया, राजनीतिक बदलाव आया, सामाजिक बदलाव में कुछ चेतना आई। तो इस प्रकार से मीडिया का रोल बिल्कुल नेगेटिव है, ये तो मैं एकदम से सहमत नहीं हूँ। परंतु बहुत सारे जो वातावरण है, व्यावसायिक वातावरण है, उसका भी हम विश्लेषण करें तो आज़ादी के पहले की बहुत सारी बात कह दी थी और वो लोग थे जो कि मिशन से जुड़े हुए थे, ये बात सही है। और उनका जीवन था, उन्होंने मीडिया को एक साधन के रूप में लिया था। गांधी जी है, हरिजन अखबार निकालते थे, लोकमान्य तिलक है, केसरी निकालते थे, क्या तो वो लोग मिशन था, आज़ादी का मिशन उनके ऊपर था, सामने था और उनका एक माध्यम था। यानी कोई बहुत बड़े सर्कुलेशन नहीं थे गांधी जी के हरिजन के, परंतु हरिजन कारण कि उनका नैतिक बल इतना था कि हरिजन में एक बात लिखते थे, सर्कुलेशन बहुत, प्रसार संख्या बहुत कम होगी, पर दूसरे में विश्व में उनकी बातों को जाती थी अलग अलग माध्यम से और उससे चेतना जागृत, कारण कि उनका नैतिक बल इतना था। लोकमान्य तिलक का नैतिक बल था, केसरी निकाला उन्होंने एक माध्यम था। मैं अक्सर कहता हूँ कि उन्होंने जब 8000 उनका प्रसार संख्या हो गया था तो उन्होंने समारोह करा था कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, 8000 हमारा केसरी बिकने लग गया। पर केसरी में जो बातें लिखते थे उसका पूरे देश में असर होता था, दुनिया में असर, कारण कि उनका नैतिक बल इतना था, उनका जीवन उसके लिए, उस मिशन के लिए समर्पित था, इसलिए उनका बातों का असर होता था। ऐसे ही गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत लंबी परंपरा है। सुभाष चंद्र बोस पूरे स्वतंत्रता के लिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन करने वाला व्यक्ति पूरा जीवन उसके लिए समर्पित था। तो जिस मिशन के लिए व्यक्ति समर्पित रहता है और जैसा जीवन दिखता है वैसे ही असर होता है। हम जहाँ बैठे हैं बहुत सारे भाषण होते हैं पर हमारा असर उतना नहीं होगा, कारण कि हमारा जीवन वैसा नहीं है, हम जो बातें कहते हैं वैसे हमारे जीवन में व्यवहार नहीं है और इसलिए हमारा असर नहीं होता है। तो आज मेरा तो कहना है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, क्या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कि इसमें नैतिक बल का जो नेतृत्व चाहिए उसका कहीं ना कहीं अभाव है। राजनीतिक में नैतिक बल का अभाव होने के कारण ही राजनीति में गड़बड़ है। तो इस प्रकार से एक अच्छा नेतृत्व जिनका उस मिशन के लिए जीवन समर्पित है, ऐसे व्यक्ति जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। और केवल कहने से नहीं काम चलेगा। प्लेटो है, उसने कहा था कि दार्शनिक राजा होना चाहिए, पर दार्शनिक राजा हुआ क्या? दार्शनिक राजा नहीं हुआ। परंतु आज हमारे सामने मॉडल है, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जैसे प्रजापति ब्रह्मकुमारी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूशन है, आज ये मॉडल है कि यहाँ पे नैतिकता का कैसा स्वरूप होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए, मूल्यों को व्यवहार में लाने के लिए किस प्रकार की संस्कार पद्धति होना चाहिए, इसका मॉडल देखना हो तो आप शांतिवन आइए, ज्ञान सरोवर आइए, यहाँ एक मॉडल दिखेगा आपको। और मैंने लिखा भी है, ज्ञानामृत में एक लेख भी छपा है कि देवलोक कैसा होता है। देवलोक ऐसे ही होगा, स्वर्ग भी ऐसे ही होगा जहाँ ऐसे ही लोग रहते होंगे। तो एक मॉडल भी हमारे सामने है। तो इस देश में मॉडल रहा है, कारण कि जैसे राजधर्म की बात है, राम राज्य रहा है, स्वर्ण युग रहा है, हम कहते हैं कि बहुत सारी उनकी उपलब्धियां, बागा बार के मेगासनी जाए, फाइयान आए, इन लोगों ने उसकी उपलब्धि क्या कराए। तो इस प्रकार से एक नैतिक नेतृत्व किस तरह बनेगा और हमारा योगदान कैसा रहेगा उसमें, इस प्रकार का मंथन चलना चाहिए। और सारा जितने भी टेक्निकल एडवांटेज आ रहा है, जितने भी मल्टी मीडिया हैं, जितना भी, आखिर मनुष्य ही करता है ना उसको नियंत्रण, कंप्यूटर कौन चलाता। आज हो सकता है कि हम पहले कलम से लिखते थे, आज कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, जरूरी भी हो गया, एक्सेप्टिंग भी करना पड़ता है, पर कंप्यूटर भी चलाएगा कौन? और दुनिया में जिनके पास भौतिक पावर है, परमाणु पावर है, उनकी दशा क्या हो रही है? उनकी दशा ये हो रही है कि अमेरिका है, अमेरिका के पास पावर है, एटॉमिक पावर भी है, डॉलर का पावर भी है, पर उसने मिसयूज किया कि नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध में किसने मिसयूज किया?
हिरोशिमा नागासाकी पे किसने बॉम्बार्डिंग किया परमाणु बम का? उसने मिसयूज किया ना। आज जिनके पास पावर है, चाइना के है पावर है, उसने भी हमारे ऊपर आक्रमण किया 1962 में। तो मिसयूज पावर इकोनॉमिक होगा या आर्थिक पावर होगा, मनी का पावर होगा, उसके चाहे हम उसको बहुत बड़ी शक्ति कह लें, पर इन पावर पे नियंत्रण करने के लिए कौन सी शक्ति है? तो हम कह सकते हैं कि इस देश की आध्यात्मिक शक्ति उनके ऊपर नियंत्रण कर सकती है। और ये जिज्ञासा दुनिया में प्रकट हो रही है, लोग चाह रहे हैं कि एक तीसरा रास्ता। हमने बहुत भौतिक उन्नति कर ली, हमने बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, तो हमको भी इस देश का भी एक हरेक के जीवन का एक नियति होती है, एक दायित्व होता है और वो ईश्वर देता है। इस देश का भी पहचान मूल रूप से राजनीतिक कभी नहीं रही, इस देश की मूल पहचान आध्यात्मिक रही है। और हमारा दायित्व तो है कि उस आध्यात्मिक पहचान और उसी के अनुसार हम विश्वगुरु या दुनिया में को मार्गदर्शक करने वाले रहे हैं। ये इतिहास है सारा का सारा, तो उसके अनुसार जो आज विकृति हो रही है, मैं अपने विषय पे लौट रहा हूँ, उधर नहीं चला जाऊँ कहीं, तो जो आज हो रहा है तो उसमें हमारा रोल क्या है? ये जो मीडिया का रोल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग अलग बंद हुए, बातचीत भी होती है, घुटन भी महसूस करते हैं कि ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। सब बच्चे और जो व्यावसायिक धंधेबाजी जो मालिक है उनसे मेरे संपर्क हैं। एक बार नाम तो लेना ठीक नहीं, बहुत बड़े अखबार के मालिक हैं, बैठे थे साथ में, प्रधानमंत्री आ रहे थे, मैं भी बैठा था, वो भी बैठा था, सब बैठे थे। तो उन्होंने क्या कि इतना ये मारा मारी की कॉम्पिटिशन हो रही है मिस्टर गौड़, बड़ा बुरा तो लगता है, कैसे क्या करें, पर हम भी क्या करें, मजबूर हैं, इस व्यवसायिकता में पैसा चाहिए, करोड़ों अरबों रुपये लगाना पड़ेगा और फिर बहुत ही मुश्किल है। गलत तो है ये सब कुछ जो चल रहा है, मारामारी का जो गलत है, घुटन सबको है, मालिकों को भी है, जो संपादक का अधिकार है उसको भी है, और जो रिपोर्टर है, जो अलग अलग डेस्क के काम करते हैं पत्रकार, उनको भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको घुटन है। पर उस घुटन को दिशा, उसका विरोध करने का सामूहिक रूप से, बहुत सारी कम्युनिटी के बारे में कहते हैं ना कि व्यक्तिगत रूप से वो सही करता है, पर जब इकट्ठे मिल जाते हैं किसी ग्रुप में तो गलत काम करते हैं, कारण कि उसका एक अलग प्रकार का रहता है। तो इस प्रकार के घुटन के लिए एक सामूहिक, एक सही दिशा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारा रोल उसमें योगदान क्या हो सकता है? तो सही सही बात सब स्वीकार करते हैं, गलत बात को कोई नहीं है। और कोई कहते हैं ना कि भाई आजकल तो अश्लीलता ही पसंद करते हैं, आजकल तो नंगापन ही पसंद करते हैं, आजकल तो टीवी में जो आता है पाश्चात वो ही पसंद करते हैं, ऐसी बात ये कौन ने सर्वे करा, मेरे को तो पता नहीं कौन कहता है नेगेटिव असली नलता ही पसंद करते हैं लोग। गांव में जाके देख लो, कभी किसी महिला को तुम कोई आँख उठा के भी देख लो तो आपको इतने पड़ेंगे कि तबियत हैरी हो जाएगी, आज भी गाँव की हालत ऐसी। तो हम शहर के ऊपर ही आंकलन कर लेते हैं कि यही समाज है, बॉम्बे का समाज है ना, हिंदुस्तान का समाज है, या बड़े अहमदाबाद का समाज है, हिंदुस्तान का समाज है, गांव में बसा है, वहाँ की परंपराएं भी आज है, वहाँ का नैतिकता भी है। सवाल ये कि हम कुछ लोग जो सोच लेते हैं कि बुरे ही पसंद करते हैं लोग, इसीलिए बुरे ही परोसो, हो सकता है 1-2 लाख अखबार बेचने के लिए कुछ लोगों को लो आप कर लो, भ्रमित कर लो, परंतु इतना नहीं। तो पावरफुल मीडिया है, इसमें तो नहीं है, पर मिसयूज भी उसका हुआ है। और ये अरब का जो इराक का वार हुआ उसमें देख लिया, इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका के साथ था पूरा, और इराक में जो लोग मर रहे थे उनके बारे में कि इराक गलत है, कमजोर देश, उसको अमेरिका ने कुचल दिया, और मीडिया ने किसका साथ दिया? पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया पर किस तरह फेवर में करा, उनको अच्छी तरह आता है किस तरह मार्केट करना चाहिए, उनको आज भी अमेरिका वालों को आता है, सारे इंटरनेशनल मीडिया हम को उसी भोपू कर रहे थे, अमेरिका का पक्ष ले रहे थे। क्यों हुआ ये? वहां लोग नहीं मर रहे थे क्या? अफगानिस्तान को क्रश कर दिया, क्या हुआ? तो उनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं। हालांकि मैं नहीं कहता कि वहां डेमोक्रेसी थी नहीं थी, कैसी क्या थी, वो बात एक अलग है, परंतु हमारा मीडिया एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया गया, मिसयूज हुआ है, और उस मिसयूज को रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो ये वातावरण, जैसा कहा है गांधी जी ने कहा है कि हमको हमारे घर के सामने ऐसी सफाई कर दी तो पूरा गांव साफ हो जाएगा। तो पहले शुरू हमसे कहां से करना है, तो हमने ये सोचा था, जो भी हमारे प्रोफेसर कमल दीक्षित जी हैं, हम लोगों के भाई ओम प्रकाश जी हैं इंदौर में, सब लोगों ने सोचा कि हम मीडिया को सही दिशा के लिए करने के लिए क्या करना चाहिए। बैठे थे 2-4 बार बैठे, फिर कहा कि वैल्यू के लिए कोई संस्था बनाई जाए, नाम वाम
नामकरण का भी बहुत सारा रहता नहीं, जैसे पुरोहित से पूछते हैं कौन सा क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे विचार कर लिया। मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज, मूल्यांकन मीडिया के बारे में हमने एक अभिक्रम बनाया, एक समिति बनाई, उसका रजिस्ट्रेशन कराया और मूल्यों के आधार पर एक वातावरण बने उसके लिए डिस्कशन करें, दूसरे लोगों को जोड़ें, दूसरे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, ये तो है ही, विश्वविद्यालय तो है ही हमारा, बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो गायत्री परिवार है इधर उधर, उनसे भी सहयोग लें जो मूल्य पर जोर देती है, और भी जितने भी संस्थाएं हैं जो हमको सहयोग देने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्रोफेसर हैं, ये भी है। फिर विचार आया कि इसमें विद्यार्थियों को पत्रकारिता का जोड़ा जाए, जो नई पौध है उनको भी इस दिशा मिले, इस बारे में प्रयास किया जाए, और उसके कारण एक स्वरूप बना। इंदौर में तो कार्यक्रम हो गया, 11 सितंबर 2005 को हमने इसका औपचारिक शुभारंभ किया, और 11 सितंबर का मैं अक्सर कहता हूँ 11 सितंबर का ऐतिहासिक महत्व है। 11 सितंबर को ही वो घटना हुई थी कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यह आतंकवादी हमला हुआ था। 11 सितंबर 1893 को ही विवेकानंद ने शिकागो में जाकर संदेश दिया था कि दुनिया में शांति, और यह आध्यात्मिक संदेश था कि हम सब धर्मों का जितने भी विश्वास है, उपासना पद्धति का सब में विश्वास करते हैं, और सभी नदियां आड़े टेढ़े मार्ग से समुद्र में जाती है, उसी तरह किसी भी साधना का किसी भी रास्ते से हम जाएं तो हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती। तो एक तो शांति का संदेश था, एक विध्वंस का संदेश था, और हम चाहते हैं कि 11 सितंबर इंदौर में जो स्थापना हुई मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज की, वो संदेश वैल्यू का संदेश है, मूल्यों का संदेश पत्रकारों में जाए, उसके दिशा बने, इस प्रकार का प्रयास हमने चालू किया। वो बहुत छोटा प्रयास है, फिर उसके साथ लोग जुड़े, अच्छे लोग जुड़े, कपिल साहब बैठे हैं, भास्कर राव बैठे हैं, अलग अलग बैठकें हुई, रायपुर में हुई, जबलपुर में हुई, भिलाई में हुई, और भी झांसी में हुई, इस प्रकार से दीक्षित जी पूरी तरह उसके लिए समर्पित हैं, और इस प्रकार से परिचर्चा के माध्यम से, चाहे परिचर्चा हो, चाहे भाषण हो, चाहे व्याख्यानमाला हो, तो अलग अलग लोगों को जोड़ के, और इसके लिए माध्यम से कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी कर सकते हैं, तो उस दृष्टि से भी इस दृष्टि से भी हमने प्रयास किया है, और उस दृष्टि से एक मासिक पत्र भी एक मूल्यनिष्ठ मीडिया करके निकाला है, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा योगदान इस अधिष्ठान में, जो मूल्यों का अधिष्ठान है, उसमें मीडिया का अधिष्ठान क्या हो सकता है, हमारी भागीदारी कितना हो सकती है, इस प्रयास हम कर रहे हैं। और मेरा एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि एक संकल्प होना चाहिए, संकल्प के बिना कोई भी अधिष्ठान पूरा नहीं हो सकता। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे राष्ट्रपति जी ने कहा है कि 2011 तक ये विकसित राष्ट्र के रूप में हो जाएगा, कोई कहता है कि 20 साल में ये भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा, तो हम ये संकल्प करें कि आगामी 10 साल में इस मीडिया को एक सही दिशा, मूल्यों की दिशा देने में हम वातावरण तैयार कर लेंगे। यदि इस संकल्प के साथ हमने इस दृष्टि से काम किया तो बहुत कुछ बदलाव होगा, अच्छी बातों का ईश्वर समर्थन करता है, ये विश्वास है। और अंत में मैं एक ही ध्येय पथ पर रे तरुण तेरा सफल अभियान होगा, भावना जब साधना होगी तभी कल्याण होगा, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जयकृष्ण गौर जी। आपने हमें बताया कि मीडिया का रोल हमेशा नेगेटिव नहीं है, और बहुत हद तक ये सच है कि मीडिया हमेशा नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जब मीडिया ने समाज में जागृति लाई है समय समय पर, लेकिन वो तब संभव है जब हम अपने मिशन के प्रति समर्पित हों, और जो मीडिया कर्मी हों उनका स्वयं का नैतिक बल इतना ऊंचा हो, तब वो जो भी लिखते हैं या जो भी वो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता कृष्णचंद्र मौली जी को। आप वर्तमान में भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म
के डिपार्टमेंट ऑफ पीआर एंड एडवर्टाइजिंग में फैकल्टी हैं। पूर्व में आप फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन रह चुके हैं, फॉर्मर कम्युनिकेशन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ एमपी रह चुके हैं, फॉर्मर जनरल मैनेजर मीडिया वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट रह चुके हैं। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ, कृपया अपना वक्तव्य हमारे सामने रखें। भ्राता कृष्णचंद मौली जी और सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध है, कृपया समय सीमा को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रस्तुत करें। ओम शांति। एक बार गाड़ी लेट होती है तो फिर वो गाड़ी लेट होती जाती है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि एक दो मिनट का आगे पीछे अनुमति दे दिया जाए। और मैं औपचारिकताओं को भी शॉर्टकट कर लेता हूँ। मंचासीन माननीय सभी महानुभावों और आदरणीय दीदियों और सभागार में उपस्थित मेरे श्रद्धेय गुरु कमल दीक्षित जी, प्रोफेसर कमल दीक्षित जी और अन्य मीडिया कर्मियों और आमंत्रित अतिथियों, पिछले तीन दिन से हम लगातार परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सान्निध्य में मीडिया इनिशिएटिव्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज मीडिया रेस्टोरेशन ऑफ वैल्यूज इन मीडिया की बात कर रहे हैं। आदरणीय गौर साहब ने ठीक कहा है कि मीडिया में ही क्यों रेस्टोरेशन ऑफ वैल्यूज की बात की जाए, क्या मीडिया पूर्ण रूप से नेगेटिव है? मैं ये मानने को तैयार तो नहीं हूं कि मीडिया ही पूर्ण रूप से नेगेटिव है या मीडिया में ही अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन में सभी क्षेत्रों में हुआ है, जीवन के हर वर्ग में हुआ, हर सोसाइटी के हर वर्ग में हुआ अवमूल्यन। परंतु चूंकि ये मीडिया कॉन्फ्रेंस है और मीडिया के हम बात कर रहे हैं, इसलिए मीडिया वैल्यूज की बात, रेस्टोरेशन ऑफ मीडिया वैल्यूज एंड मीडिया की बात चल रही है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया में यदि वैल्यूज का रेस्टोरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक पावरफुल कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट है और वो ओपिनियन लीडर्स को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, इंटेलिजेंसिया को बहुत तीव्र गति से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए भी मीडिया में वैल्यूज़ का रेस्टोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। समाज के और वर्गों में अगर वैल्यूज़ का अवमूल्यन होता है तो इतनी तीव्र गति से या इतनी तेज़ी से कोई ओपिनियन मेकिंग नहीं हो पाता है, जितना कि मीडिया में अगर वैल्यूज़ का अवमूल्यन होता है तो प्रभाव भी पड़ता है। मैं एक बात कहने से नहीं रह सकता कि वह ये है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा ये जो प्रयास किया गया है, ये प्रयास मेरे ख्याल में, कल दीक्षित सर कह रहे थे कि भारत में शायद पहला है, मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि शायद एशिया में पहले तरह का अपना प्रयास है, जहाँ पर मीडिया प्रैक्टिशनर्स, मीडिया एकेडमिशियंस और मीडिया के जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और अनेक प्रकार के विचार कर रहे हैं। एक बात मैं हमेशा जब भी मंच पे आता हूँ तो एक बात कहता हूँ और मैं दोबारा कहूँगा, रिपीट करता हूँ मैं उसको, और करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मात्र यहाँ मेरे खड़े हो जाने से मुझे विद्वान नहीं मान लिया जाए। मैं आप ही लोगों में से एक व्यक्ति हूँ, यहाँ पर सभी मीडिया विद्वान हैं, सभी मीडिया कर्मी हैं, मुझसे अधिक विद्वत्ता उनमें है, वो ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है मैं उस सीमा तक या उस स्तर तक अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। इसलिए ये न समझें कि जो कुछ मैं यहाँ कह रहा हूँ वो कोई वेद वाक्य है या कोई अमृतवाणी है या कोई आपके लिए उपदेश दे रहा हूँ, केवल मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने विचारों को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। चाहता ये हूँ कि उन विचारों के ऊपर चर्चा चले और शायद कोई अच्छा निष्कर्ष निकले कि किस प्रकार मीडिया में वैल्यूज़ का रजिस्ट्रेशन हो। मैं फिर उस बात को भी रिपीट कर रहा हूँ जो गौर जी ने, अपने सुशांत जी ने कहा है कि रेस्टोरेशन की बात तभी होती है जब मूल्यों का नाश हो गया हो या समाप्ति हो गई हो। और जैसे फिर गौर साहब ने जैसा कहा है कि क्या मीडिया में मूल्यों की समाप्ति हो गई है, शायद नहीं हुई है। शायद गौर साहब जिस समाचार पत्र के प्रमुख संपादक हैं, ऐसे समाचार पत्रों में या ऐसे मीडिया चैनल्स में अभी शायद मूल्य कायम है। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ऐसे लोगों को लंबी उम्र दें ताकि हम मीडिया निष्ठ, मूल्यनिष्ठ मीडिया
का फायदा हमें प्राप्त होता रहे। मीडिया वैल्यूज की जब बात करते हैं तो परिभाषित करना बड़ा कठिन है, क्यों वैल्यूज, वैसे भी वैल्यूज जो हैं बड़े परिवर्तनशील होते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं, कुछ नए जुड़ते रहते हैं, कुछ पुराने लुप्त हो जाते, विलोपित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मीडिया के मामले में हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्थायी मूल्य तो हैं और जिनमें शायद बदलाव यथासंभव नहीं आना चाहिए, भले ही लोग उसको क्रांति का रूप दे दें, लेकिन ऐसी क्रांति जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, सोसाइटी के लिए हानिकारक हो, ऐसी क्रांति के अन्न लाने से कोई फायदा नहीं है। और मेरे ख्याल में उन स्थायी मूल्यों के बारे में ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैंने महसूस किया है अध्ययन करने के बाद में, मीडिया में सबसे बड़ी बड़ा अवमूल्यन अगर कोई हुआ है तो वो क्रेडिबिलिटी का है, विश्वसनीयता मीडिया ने खो दिया है। कारणों के ऊपर हम यहाँ मंच पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं विचारणीय मुद्दे आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, इन मुद्दों पर विचार करना आपका काम है और इस मंच का काम है। विचार करने के बाद में, मंथन करने के बाद में जो अमृत निकलेगा उस सबका हम पान करेंगे और जो विष निकलेगा उसको नीलकंठ बनकर यहाँ हम लोग गरल में रख लेंगे। लेकिन मुद्दे ये हैं, क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा अवमूल्यन हुआ है। इसके बाद ट्रूथ की जो बात करते हैं, ट्रूथफुलनेस, उसका भी बहुत बड़ा अवमूल्यन हुआ है। ऑब्जेक्टिविटी का भी बहुत अवमूल्यन हुआ है। साहस, जो मीडिया में एक साहस नाम की एक चीज़ होती थी, वो पुल्स एंड प्रेशर्स में काम नहीं करता था, न किसी के दबाव में आता था, न किसी से वो डरता था, न किसी को फेवर करता था। वो सब बातें आजकल, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे कोई भी चैनल हो, आप देख लीजिए, बाकायदा पता लगता है कि ये उस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, आइडियोलॉजिकली उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो वो करेज तो समाप्त हो गया, क्लैरिटी भी नहीं रही है। एडिटोरियल्स भी आप पढ़िए तो बड़ा ढुलमुल एडिटोरियल्स रहते हैं, ना इधर के ना उधर के, स्पष्टवादिता नहीं रहती, ना कोई दिशा मिलती है उसमें। ये स्थिति हो गई है मीडिया में। और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, जिसे हम कहते हैं कोई उद्देश्य का एक निष्ठा जो होती है, वो भी लुप्त होती सी जा रही है। और कमज़ोरों की आवाज़, जिसे हम कहते थे मीडिया जो है कमज़ोरों की आवाज़ है, अब वो कमज़ोरों की आवाज़ तो मुझे कहीं लगती नहीं है। हालांकि अभी भी, जैसे मैंने आपको कहा था, ये जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो ये 100% मीडिया की बात नहीं हो रही है, कुछ एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस आर नॉट रूल। एज ए रूल अवमूल्यन हुआ है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हैं, प्रिंट मीडिया में भी हैं, कुछ लोग अभी भी कमज़ोरों की आवाज़ बने हुए हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी मीडिया यूनिट्स में या मीडिया चैनल्स में जो अवमूल्यन हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़, मीडिया का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व जो है वो हमेशा हम लोग एकेडमिशियंस जो कहते हैं, अब तो मीडिया प्रैक्टिशनर्स भी मानने लगे हैं, कि इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, कम्युनिकेट करना, एंटरटेन करना। तो आज की स्थिति यह हो गई है, शायद ना इन्फॉर्मेशन है, ना एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट ज़रूर है, और वो एंटरटेनमेंट भी मार्केटिंग की हद तक पहुंच गई है। यानी अब मीडिया चैनल्स हों चाहे समाचार पत्र हो, वो चीज़ों को बेच रहे हैं, चीज़ों को संप्रेषित नहीं कर रहे हैं, संदेशों को संप्रेषित नहीं कर रहे हैं, संदेशों को बेच रहे हैं। चाहे वो इन्फॉर्म कर रहा हो, एजुकेट कर रहा हो, वो कम्युनिकेट हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, बार बार बैंग बैंग करेंगे तो शायद कम्युनिकेट हो भी जाता होगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि संदेशों को आजकल बेचा जा रहा है, आजकल कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है, इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है, एजुकेट नहीं किया जा रहा है। इस पर भी हमें बहुत गंभीरता से चिंता करना पड़ेगा। और एक हिंसक अप्रोच भी एक नई परिपाटी चल पड़ी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अमेरिका में इतनी बड़ी 9/11 वाली दुर्घटना घट गई थी, अमेरिकन मीडिया में मैंने एक लाश नहीं देखी, अमेरिकन मीडिया ने एक लाश नहीं दिखाई, लाश तो लाश, दुर्घटना से संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जिसमें एक बड़ा बीभत्स दृश्य का प्रदर्शन होता हो। और हमारे यहाँ आए दिन जम्मू कश्मीर में या यहीं कहीं दूसरी जगह पर जहाँ आतंकवादी हमले वगैरह होते हैं तो वो लाश को दिखाएंगे, खून बहता हुआ दिखाएंगे, पता नहीं उन चीज़ों को दिखा के हम मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, आई डोंट नो। या तो उस घटना की भीभत्सता को प्रदर्शित करके आतंकित करना चाहते हैं, मुझे तो कोई मैसेज उसमें दिखता नहीं है। ये कहना काफ़ी है कि दुर्घटना किस गंभीर दुर्घटना हुई थी, लेकिन ये दिखाना जरूरी है क्या वो जो विभत्सपूर्ण दृश्य
इस पर विचार करना है। मेरे विचार में, मैं भी मीडिया प्रैक्टिशनर रह चुका हूँ, अब मैं एकेडमिक्स में हूँ, मेरी दृष्टि में तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे विभत्स दृश्यों को दिखाना। फिर भी ये चिंतन का विषय है। एक और नई चीज़ मीडिया में आ गई है। मीडिया को तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से संविधान में ही प्रावधान है, फ्रीडम ऑफ मीडिया कहीं नहीं कहा गया है, ये भी आप ध्यान से अपने मस्तिष्क में रखिएगा। संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा फ्रीडम ऑफ मीडिया, इट इज़ ओनली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन के नाम से मीडिया को जो भी फ्रीडम मिलता है वो मिलता है, वो आम नागरिक को भी मिलता है, लेकिन वो फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। अब स्वच्छंदता में हम लोग आ गए हैं, अब लिबर्टी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, स्वच्छंदता चाहते हैं, और स्वच्छंदता कितना खतरनाक होता है, चाहे वो मीडिया के लिए हो चाहे सोसाइटी के किसी वर्ग के लिए हो। मेरे ख्याल में आप लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा, इनको चिंतन करना पड़ेगा। सामाजिक सरोकारों से भी हम लोग कटते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें कमर्शियल वैल्यू है उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगता है, और जिसके सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए सामाजिक सरोकारों को भी हम कमर्शियलाइज करते जा रहे हैं। जैसे अभी एक समारोह में कुछ उदाहरण आए थे, मैं यहाँ रिपीट करके समय गंवाना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों ने सुना ही है, वो गुड़िया कांड था और पता नहीं दूसरा कांड था। इन सब कांडों को समाचारों की दृष्टि से या कोई घटनाक्रम की दृष्टि से दिखाने के बजाय उसको एक बाजारीकरण करके असंवेदनशील बनाकर दिखाने का पूरा प्रयास किया गया, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, और फिर ऑडियंस को तो खैर जो झेलना पड़ा झेलना ही पड़ा, वो सब जानते हैं। और आदरणीय विक्रम राव ने कहा ही था कि आजकल वो कुछ भी छापना और कुछ भी प्रसारित करना ये कहकर किया जाता है कि हम क्या कह रहे हैं पब्लिक को यही पसंद है। नहीं, बिल्कुल गलत है, पब्लिक को ये पसंद नहीं है, और अगर पसंद है भी तो पब्लिक के हित में क्या है वही हमें परोसना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, चाहे वो समाचार पत्र हों चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हों। और मीडिया का एक बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम दिशा दर्शन है, और अब तो दिग्भ्रमण की स्थिति आ गई है। मीडिया का ना चैनल या ना समाचार पत्र हमें कोई दिशा दर्शन देते हुए नज़र नहीं आते हैं, और एकेडमिक्स में भी बहुत अजीब स्थिति बन गई है, क्योंकि एकेडमिक्स में जो हम आदर्श की हमारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, अरे सर आप तो वो सिखा रहे थे, वहाँ समाचार पत्र में गए तो हमको तो एडिटर साहब ने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं ऐसा करो, तो हमने कहा भाई ठीक है वो तो क्या विडम्बना है, क्योंकि हम जो आदर्श एकेडमिक्स वाले जो आदर्श हम सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो आदर्श की स्थिति मीडिया में समाचार पत्रों में इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में नहीं है। वहाँ तो मार्केट और ब्रांडिंग और ये सब आ गई हैं, तो कभी मुझे लगता है कि शायद अब हम लोगों को अपना सिलेबस भी ये जो इस मुद्दे के आधार पर सिलेबस के बारे में विचार करना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि यदि हम मीडिया को आध्यात्मिकता के साथ भी जोड़ेंगे तो शायद ये जितनी कमजोरियां उसमें आ गई हैं या अभी भी कमजोरियां आने का खतरा हमको लग रहा है शायद वो दूर हो। आध्यात्मिकता से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो लेके अपना भजन करते रहें रोज सुबह शाम, वो नहीं है मेरा मतलब। स्पिरिचुअलिज्म से मेरा मतलब है, आदरणीय प्रेसिडेंट साहब ने भी यही कहा था, तो अगर स्पिरिचुअलिज्म को थोड़ा सा हम अपने मस्तिष्क में ले आएँ, संपादक लेवल से लेकर नीचे तक, ओनर लेवल से लेकर नीचे मैनेजमेंट लेवल तक, शायद ये जो कमजोरियां हम समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में और जितने भी मीडिया के यूनिट्स हैं जो हम देख रहे हैं और जिसका खतरा हम महसूस कर रहे हैं, शायद वो पूर्ण रूप से शायद विलोप हो जाएंगे या कम से कम कम हो जाएंगे। और इसके लिए जैसे अपने भाई सुशांत जी ने कहा है बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई कानून काम नहीं कर सकता है, ये तो स्वप्रेरणा से हम ही मीडिया वाले, वही जैसे मैंने कहा था ना, मीडिया एकेडमिशियंस मीडिया प्रैक्टिशनर्स और मीडिया ओनर्स मैनेजमेंट वाले, पिछली बार तो कॉन्फ्रेंस में वो केबल ऑपरेटर्स वगैरह भी आए थे, तो हम सब मिलके ही उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। और मैं तो क्लोज कर रहा हूँ, मुझे चिट्ठी की ज़रूरत नहीं है। बस मैं अंतिम बात यहाँ मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा गैदरिंग ज़्यादा है। राष्ट्रपति जी आए थे तो उन्होंने तीन महत्वपूर्ण बातें कही हैं, शायद आप लोगों ने उनका भाषण पढ़ा हो या सुना हो, उन महत्वपूर्ण बातों पर आप भी ध्यान देंगे। मैं यहाँ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि वो फ्रेश हो जाएगा मेमोरी में। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही है, रैशनलाइजिंग रिलीजन इंटू स्पिरिचुअलिज्म।
धर्म वो नहीं है कि धर्मांधता का जो प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं जिसमें मीडिया के लोग भी जिम्मेदार हैं, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है, मीडिया के लोग भी धर्मांधता के प्रसार प्रचार में जिम्मेदार हैं। तो ये जो बात है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग रिलीजन इनटू स्पिरिचुअलिज्म, ये राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जैसे व्यक्तित्व ने कहा है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। एसोसिएटिंग द यंग विद द कल्चरल हेरिटेज एंड मॉरल वैल्यूज, मेरे ख्याल में अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, जवानों को, यूथ को सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों के साथ में बचपन से भी, कैच देम यंग बोलते हैं ना, बचपन से भी जोड़े रखना, और प्रोपगेटिंग मैसेज ऑफ पीस। हमारे मीडिया कर्म में हम ये नहीं भूलें कि हम अपने कर्म के दौरान कहीं सोसाइटी में अहिंसा का प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहे हैं जाने अनजाने में, कहीं जानबूझ के भी हो रहा होगा, कहीं जाने अनजाने में हम अहिंसा का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, इसके बदले में हम शांति का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता कृष्णचंद्र मौली जी, आपने हमें मीडिया की कमियों के बारे में बताते हुए कहा कि आज क्योंकि कमर्शलाइजेशन आ गया है इसीलिए मीडिया में विश्वसनीयता, सत्यता, साहस, स्पष्टवादिता, दिशा, उद्देश्य और निष्ठा समाप्त होती जा रही है, और इसका समाधान है कि मीडिया में आध्यात्मिकता का समावेश किया जाए और उसके लिए हम स्व प्रेरणा से काम लें, इसके लिए कोई कानून कार्य नहीं कर सकता है। तो अवश्य है कि सभी मीडिया वाले इस लक्ष्य को अपने सामने रखेंगे। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ भ्राता आर के शर्मा जी से, आप इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के उत्तर प्रदेश लखनऊ के राष्ट्रीय पार्षद हैं, वर्तमान समय जनसत्ता एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं तथा पूर्व में नवजीवन स्वतंत्र भारत एवं द पायोनियर के ब्यूरो चीफ रहे हैं, महिला उत्पीड़न, मानवाधिकार एवं बालाधिकार से जुड़े लेखों एवं आउटलुक हिंदी साप्ताहिक एवं श्रमजीवी उत्तर प्रदेश सरकार की पत्रिका के नियमित लेखक कलमकार हैं, कलमकारों की आवाज के रूप में 10 वर्षों से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के मंच से श्रमजीवी पत्रकारों के हक की लड़ाई आप लड़ते रहे हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कृपया विषय पर अपने विचार व्यक्त करें भ्राता आर के शर्मा जी। ओम शांति। आज इस अद्भुत सभागार में, जिस सभागार में स्वयं शिव बाबा विराजमान हों, देश के कोने कोने से आए मीडियाकर्मी, मंच पे आसीन विद्वत समाज के लोग, साथियों पाने, आज यह मीडिया सम्मेलन जिस विषय पे आयोजित है उस विषय पे हम विचार व्यक्त करने के पहले आपको बता दें कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने उत्तर प्रदेश में हेराल्ड ग्रुप के बंदी के बाद, स्वतंत्र भारत अखबार के बंदी के बाद जो लड़ाई लड़ी थी, लखनऊ के धरती पे नेशनल हेराल्ड से जुड़े हमारे सारे मीडिया कर्मियों के एक एक पाई का भुगतान नेहरू परिवार की मालकिन सोनिया गांधी ने फेडरेशन श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के दबाव में सच के आगे घुटना टेक करके किया है, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। साथियों, यह जो सम्मेलन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए 21वीं सदी में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया जाए, ऐसे विषय पर जो चर्चा आज आयोजित है, यह निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। वैल्यू बेस्ड मीडिया की आधारशिला इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में भाई
कमल दीक्षित जी ने, भाई ओम प्रकाश जी ने, भाई करुणा भाई ने जिस जिस जोश खरोश से रखा है, हम कह सकते हैं कि यह वही संकल्प है जिस संकल्प को 20वीं सदी में आज़ादी के बाद शिव बाबा ने लिया था। जब देश बट रहा था, हम जातियों में बट रहे थे, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा था, उस समय शिव बाबा ने इस आबू के पावन धरती पे पहाड़ के इस सुरम्य गोद में दुर्गम मार्गों से होकर, उस समय यहाँ यह सुरम्य वातावरण नहीं था, कटीली झाड़ियाँ थी, लेकिन उनके पास एक संकल्प था, एक सोच था कि हम बेटर वर्ल्ड, सभ्य भारत, सभ्य विश्व बनाएंगे। उनकी एक सोच थी, उन्होंने जो इतिहास को पढ़ा था, नारी शक्ति को जो उन्होंने पहचाना था, उन्होंने एक खाका खींचा और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ईश्वरी विश्वविद्यालय विश्व के नारी शक्ति का अद्भुत मिसाल पेश करता एक संगठन, एक एनजीओ के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। साथियों, हम विषय की ओर लौटते हुए आज सुशांत भाई ने अपने देश के लोकप्रिय राष्ट्रपति कलाम साहब के वक्तव्यों के माध्यम से जो हमारा ध्यान खींचा, मनोज भाई ने, गौड़ जी ने मीडिया के सकारात्मक भूमिका पर जो प्रकाश डाला, कृष्णचंद मौली भाई ने मीडिया के अवमूल्यन की बात को जिस तरह से अस्वीकार कर दिया, इन तमाम मुद्दों से अपने को मैं जोड़ते हुए मैं के विक्रम राव साहब के उन वक्तव्यों से भी ताल्लुक रखता हूं कि हमें अपने गिरवान में झांकना भी आवश्यक है। साथियों, कल कमल दीक्षित भाई ने कहा था कि विश्व गांव की परिकल्पना साकार हो रही है, लेकिन हमको वैल्यू वेस्ट मीडिया की बात करके विश्व बंधुत्व की बात को जोड़ना होगा, और बिना विश्व बंधुत्व की बात को जोड़े वैश्वीकरण, विश्व गांव की परिकल्पना एक बेईमानी सिद्ध होगी। यह बात निश्चित रूप से एक मजबूत व्यक्ति ही कह सकता है, एक इतिहास को अध्ययन करने वाला व्यक्ति, एक भविष्य को लेकर चिंतन करने वाला व्यक्ति भी कह सकता है। मैं आज इस मंच से, इस बात से अपने को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि भाई कमल दीक्षित ने वेदों की उन ऋचाओं से विश्व बंधुत्व को लिया है, जिसको छोड़ करके हम किसी तरह से 21वीं सदी में जाने की बात अगर करते हैं तो निश्चित रूप से बेईमानी होगी। साथियों, हम कलमकार हैं, हमको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हम कौन कहता है कि मूल्य निष्ठ न हो, कौन कहता है कि हमको इसके लिए अलग से पाठ पढ़ाया जाए, लेकिन आज ऐसी आवश्यकता 20वीं सदी में प्रतीत की गई कि नैतिक मूल्यों के प्रति, आदर्शों के प्रति चर्चा की जाए और उन्हें पुनः स्थापित करने की बात की जाए। साथियों, नारी शक्ति का गुणगान हम अपने वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में पढ़ते देखते रहे हैं। यत्र नारियस पूजन्ते रमन्ते सर्व देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा हुई है वह समाज सदैव खुशहाल रहा है। एक माँ अच्छी शिक्षिका होती है,
एक बहन आदर्श पथ प्रदर्शक होती है, इन तमाम भावनाओं के साथ जो 21वीं सदी में मूल्यों की पुनर्स्थापना का संकल्प है, हम आज इस पावन प्रांगण में लेते हैं और हम आपको मीडिया के सकारात्मक भूमिका की ओर शीर्षक से मार्च अप्रैल के संयुक्त अंक में श्रमजीवी कलमकार के साथी हसीफ सिद्दीकी के कलम से अपने को जोड़ते हुए, जिसमें उन्होंने भारतीय मीडिया को सशस्त्र प्रणाम किया। उन्होंने होली से ठीक पहले लखनऊ में हुए सांप्रदायिक दंगे, वाराणसी के एक शंकर मोचन मंदिर सहित 3 स्थलों पर बम विस्फोट के बाद देश में ऐसे शांतिपूर्ण माहौल कायम करने में जो मीडिया ने मदद की उसको सराहा, जिससे न केवल आतंकियों के हौसले पस्त हुए वरन कुछ राजनीतिक दलों के इससे लाभ उठाकर दो वर्गों के बीच ध्रुवीकरण के मंसूबे में पानी फिर गया। इन दो घटनाओं ने भारतीय मीडिया को गैर जिम्मेदार करार देने वालों को बताया है कि हम जिम्मेदार हैं, हम आतंकियों का मुकाबला कर सकते हैं, हम सद्भावना का संवाहक बन सकते हैं, हम समाज में, देश में, विश्व में अमन चैन कायम करने की अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। ये दो घटनाएं आज ताज़ा संदर्भों में निश्चित रूप से एक उदाहरण बन गया है। जरूर आज पूरा समाज, पूरा देश, हर तबका जब सब जगह से हार जाता है तो हम मीडिया की ओर देखता है। इसी कारण हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार रहेंगे और ये संकल्प लेते हैं कि मूल्यनिष्ठ मीडिया के माध्यम से, स्व सुधार के माध्यम से, विश्व सुधार का जो संकल्प इस प्रांगण में लिया जा रहा है उसके संवाहक बनेंगे। जय हिंद, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता आर के शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता डॉक्टर मनोज लोढ़ा जी को। भ्राता मनोज लोढ़ा जी उदयपुर से आए पत्रकारिता क्षेत्र के जाने माने उत्कृष्ट कर्मियों में से एक हैं। आप कुशल पत्रकार के साथ साथ एक प्रतिबद्ध सामाजिक विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिष्ठित महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर के उप सचिव पद पर कार्यरत हैं। आपने राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स जैसे समाचार पत्रों में कार्य करते हुए ये ख्याति अर्जित की है। आपकी सेवाएं मीडिया शिक्षक के रूप में गणमान्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं को सुलभ हो रही हैं। अभी हाल ही आपने पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण एवं अछूते विषय समाचार पत्रों में अभूतपूर्व क्रांति, एक आर्थिक विश्लेषण पर अपना शोध ग्रंथ पूरा किया है। इसके अतिरिक्त आपने मानवाधिकार पर भी अपनी कलम का लोहा मनवाते हुए भारत में मानवाधिकार, बालकों को भोजन का अधिकार शीर्षक पुस्तक का प्रणयन किया। इसके अतिरिक्त आपको मीडिया मैनेजमेंट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट उदयपुर के मानद निदेशक के रूप में पत्रकारिता के छात्रों को शिक्षा एवं अनुसंधान के मार्गदर्शक के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट के प्रभारी के रूप में आपने अनेक प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को पुस्तकों का प्रकाशन अपने दिशा निर्देश में करवाकर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। तो ऐसी
विशिष्ट मीडिया से जुड़ी हुई विभूति को मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने विचार हमारे समक्ष रखें। मंचासीन वक्तागण एवं अतिथि, प्रबुद्ध मीडिया कर्मियों, एक सवाल काफ़ी समय से जहन में उठ रहा था मंच पर आने के बाद। आप में से लगभग सभी लोगों ने द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज शो देखा होगा, जो शेखर कपूर का अपना प्रोडक्शन है। आप में से किसने नहीं देखा? क्या आप कष्ट करके बता सकते हैं कि नहीं देखा? काफी कम लोग हैं। ग्रेट लाफ्टर चैलेंज शो जो शुक्रवार को आता है, काफी अच्छा प्रोग्राम उनकी दृष्टि में है। लाफ्टर शो होना चाहिए, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, वगैरह वगैरह सारी बातें हैं। लेकिन उसका एक विज्ञापन बड़ा दिलचस्प आता है। उस विज्ञापन पर अगर नज़र डालें तो बीच बीच के कार्यक्रमों के बीच में उस चैलेंज शो का जो विज्ञापन आता है वो ये है कि एक व्यक्ति की, एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है 9:45 बजे करीब रात। सभी लोग, घर वाले, परिजन उसको देखते हैं और उनको बड़ा बुरा लगता है कि 9:45 बजे डेथ हो गई। सब लोग घड़ी देखते हैं, फिर भी जैसे तैसे उस जनाजे को वो उठाते हैं और टुवर्ड शमशान चलते हैं। फिर घड़ी देखते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर घड़ी देखते हैं, फिर दौड़ते हैं और शमशान में उस जनाजे को जब रख दिया जाता है और फिर घड़ी देखते हैं, बोले 10 बज गई, तो वो उठ के दौड़ भागते हैं ग्रेट लाफ्टर चैलेंज शो देखने के लिए। मतलब हम कितने संवेदनहीन हो गए हैं या हमारा प्रोडक्शन क्या जा रहा है, उस पर हम में से किसी की नज़र नहीं पड़ी। या अब सवाल ये उठता है, ये ठीक है, उनका अपना मार्केटिंग का जरिया है, उनका अपना प्रोग्राम है, हम उसको मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या किसी ने उस विज्ञापन के बारे में कोई सवाल खड़ा किया, या क्या किसी ने एक 50 पैसे का पोस्टकार्ड शेखर कपूर साहब को डाला कि भैया तुम्हारा यह विज्ञापन खोटा है, या तुम्हारा यह विज्ञापन हमारी नैतिकताओं से परे है, या तुम्हारा यह विज्ञापन हमारी मौलिकता को खो रहा है, मानवीयता को खो रहा है। बड़ी अच्छी सी बात है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन हम अपनी तरफ झांक करके ये सवाल करें कि आने वाले कितने विज्ञापन, ये एक विज्ञापन का उदाहरण मेरा हो सकता है, ऐसे कई उदाहरण हैं। पिछले सत्रों में शाहरुख खान का विज्ञापन भी पेप्सी को लेकर के दिखाया गया, वो सारी बातें ठीक है। हम में से कितने लोगों ने पत्र लिखे? हम बड़े आसानी से कहते हैं अरे साहब कुछ नहीं होता, सरकार भी कुछ नहीं करती, कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए, कोई मानता ही नहीं है। आई एम सॉरी, हम में से अगर वोटिंग जब की जाती है तो हम पत्र लिखें तो पता लगेगा प्रोड्यूसर को कि मुझे ये नहीं करना है। कारण हम क्यों नहीं करते, उसके पीछे भी एक खोया हुआ, छुपा हुआ, हिडन कारण है। वो ये है कि कुछ एजेंसीज TRP ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन वाले आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के NRS IRS की डाटा, सर्कुलेशन, रीडरशिप, इन आंकड़ों को देते हैं और हम उन आंकड़ों को कितने प्यार से समझ लेते हैं और हम ये अल्लाह करते हैं अब TRP बढ़ रही है। अभी मैं बात करूं किसी कार्यक्रम की, किसी सीरियल की, तो ये सीरियल इसलिए दिया जाता है कि उसकी TRP बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताइए, इस TRP और IRS NRS के डाटा का एक गेम आपको मैं बहुत ही संक्षिप्त में समझा देता हूँ। बड़ी अच्छी सी बात है कि TRP बढ़ रही है, और TRP बढ़ रही है तो एडवर्टीजमेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट बढ़ रहे हैं मीन्स सीरियल शो बहुत अच्छा जा रहा है। एक मज़ेदार बात, हमारे देश की जनसंख्या 110 करोड़, ठीक है, 110 करोड़ में अगर ये मान लें कि 5 जनों के घर वाले, मतलब जो ये एजेंसीज मानती है, जो TRP कैलकुलेट करती है, उसी के आंकड़ों को ले रहा हूं मैं, 5 जनों के बीच में एक TV है, एक घर में 5 हाउसहोल्ड एक TV माना जाता है, और ये मान लिया जाए पूरे हिंदुस्तान में टेलीविजन है, तो कितना हुआ, 22 करोड़। 22 करोड़ में से वो एजेंसीज जो TRP वैल्यूएट करती है वो 5000 यूनिट्स पे वैल्यूएट करती है,
मीन्स 0.0027% व्यूअर्स को लेकर के विज्ञापन दाताओं को और दर्शकों को गुमराह किया जा रहा है। यह हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खेल। प्रिंट मीडिया पे चलें, IRS, NRS और कई सारी एजेंसीज जो इसका रीडरशिप सर्वे करती है और बताती है कि बड़ा अच्छा जा रहा है। फैब्रिकेशन है नो डाउट, लेकिन फैब्रिकेशन किस किस्म का है, कितने बढ़िया तरीके से पढ़े लिखे लोगों को पपलू बनाए जाने की स्कीम जो है उसको हमको समझना होगा। कि मान लीजिए राजस्थान के किसी क्षेत्र में यह पता लगाया जा रहा है कि एक्स न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कितना है, रीडरशिप कितनी है। जो एजेंसीज हैं वो सर्वे इस रूप का नहीं करती कि आप अखबार खरीदते हैं क्या, आप अखबार पढ़ते हैं क्या, आप अखबार में क्या क्या पढ़ते हैं, ऐसा सवाल नहीं करती। उनका बड़ा सर्टेन क्वेश्चन आयर है जो आपको लगेगा कि वाह कितना ठोका बजाया क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आयर है कि इसको जवाब देने वाला सही रूप में उसका रीडर होगा। पता लगा राजस्थान में हो रहा है, एक्स न्यूज़पेपर ने अपने 15 दिन पहले से कैंपेनिंग चालू कर दी, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, लीफलेट ब्रोशर्स बांट दिए, सवाल पूछा कि इन दिनों उपहार योजना किस में चल रही है, उसने साहब एक्स पेपर में। ऐसे 10-20 क्वेश्चन पूछे, ये तय कर लिया एक्स पेपर पढ़ा जाता है और उस एक्स पेपर की रीडरशिप को हाइप मिल जाती है। हम उस पूरे खेल में, उस गिमिक में, उस मायाजाल में फंसे हुए हैं और हम भी कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि ये जो कुछ दिखाया जा रहा है सब देख रहे हैं, और सब देख रहे हैं इसका मतलब अवमूल्यन हो गया है। माफ कीजिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, अवमूल्यन कतई नहीं हुआ है, अवमूल्यन कतई नहीं हुआ। 0.0027% को लेकर के अगर हम ये कह दें कि एफ चैनल पे ये दिखाया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, या उस चैनल पे वो दिखाया जा रहा है, वो किया जा रहा है, नहीं। सवाल फिर उठता है कि क्या हम अपने मूल्यों को स्थापित करने के लिए क्या प्रयास करें, या हमारे मूल्य कैसे स्थापित हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही थी मौली जी ने कि समय के साथ मूल्यों में चेंजेस आते हैं, ठीक है, लेकिन जो मूल्य स्थापित हैं, जो सुदृढ़ मूल्य हैं, वो कभी भी विचलित नहीं होते। बस देखना यह है कि हमें जानना पड़ेगा कि मूल्यों की स्थापना कैसे की जाए। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि हमको आज ये मीडिया कॉन्फ्रेंस जो है, मेरा मानना है कि अगर ये मीडिया कॉन्फ्रेंस उन लोगों के साथ भी होती जो बहुत बड़े विज्ञापन दाता हैं या बहुत बड़े बिजनेस होल्ड रखते हैं, तो शायद उनको मीडिया की सच्चाई का पता लग जाता है या इस गिमिक का पता लग जाता, तो शायद वो उधर मोटिवेट नहीं होते और जो मूल्य परक कार्यक्रम हैं उनकी ओर प्रायोजित करते और वो उससे कहीं जोड़ते। कई दिनों से, 2-3 दिनों से ये चर्चा चल रही है और ये बात भी हो रही है कि हम जो साहब बिजनेस का मामला है, हमको अखबार चलाना है या हमको चैनल चलाना है, इसलिए हमको ये प्रोग्राम तो देना होगा। क्यों भाई, मूल्य परक कार्यक्रम दोगे तो धंधा नहीं मिलेगा या कमा नहीं पाओगे? सवाल ये नहीं है। दूसरा एक और बड़ा अच्छा सवाल है, हम लोग बड़े आसानी से बचने के लिए रास्ता निकाल लेते हैं, और साहब हमारे मालिक का सिस्टम ये है, मालिक नहीं चाहता कि ये होना चाहिए। मालिक को किसने समझाया, मालिक को कौन सिखाता है, मालिक को कौन बताता है कि हमारे अखबार का सर्कुलेशन किस कार्यक्रम से होता है? क्या फ्रंट पेज पर अगर किसी बलात्कार की घटना को 6 कॉलम में छाप देने से आपका अखबार ज्यादा बिक जाएगा, कितना परसेंट, और उसके कितने मुनाफे में कितना परसेंट घटा हो जाएगा, जरा अंदाज लगाएं। हम लोग जिम्मेदार हैं, हम मीडिया कर्मी जिम्मेदार हैं जो अखबार में काम कर रहे हैं, जो हमारे मालिक को कहने का तरीका नहीं जानते या उसको कन्विंस नहीं करना आता या हम उसको कन्विंस करना ही नहीं चाहते। सवाल यह है, तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमें कैसे कार्यक्रम, कैसे आयोजन करने पड़े। तो इसके लिए जो मोटी चीज है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात आई, काफी लोग मेरी बात से असहमत भी होंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं किया जा सकता, सरकार ने बना रखे हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, फिर भी नहीं मानती। क्यों? पाकिस्तान में भारतीय फिल्में दिखाने पर बैन है, दिखा के देखिए, क्यों वहां का शासन कोई अलग 2 सींग 4 दांत वाला है? हमारे यहां वो व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती? वो व्यवस्था बिल्कुल बन सकती है, बशर्ते कि हमारा कमिटमेंट हो। हमारा कमिटमेंट कब होगा?
जब हम ये तय कर लें कि हमको करना है। अब वो कमिटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, उसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूं कि हर बार ये बात होती है कि स्व से परिवर्तन हो, स्व परिवर्तित हो जाएगा तो समाज परिवर्तित हो जाएगा, विश्व परिवर्तित हो जाएगा। इट्स ओके, फाइन, अच्छी बात है, होता भी है, होगा भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैंच है, उस पैंच को समझना होगा। आज़ादी के आंदोलन की बात करूं मैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बोस, काफ़ी बड़े बड़े नेता हुए और अलग अलग तरह से उन्होंने आज़ादी की जंग को लड़ने का नतीजा निकाला, लेकिन उन सब ने अल्टीमेटली एक लीडर तैयार किया, एक लीडर तैयार किया, भैया आप हमारे लीडर हैं, हम आपके पीछे चलेंगे, आप एक मॉडलिटी तैयार कीजिए, आप एक सिनॉप्सिस बनाइए कि हमारा क्या सिस्टम होगा, इस जंग को कैसे लड़ा जाएगा। स्केटर्ड वे में, स्प्रेडेड वे में अगर हम जंग लड़ेंगे तो हो सकता है हमारी जंग फायदेमंद ना हो, नुकसान में चली जाए। तो हमें कहीं न कहीं स्वपरिवर्तन के साथ, स्वपरिवर्तन का हर आदमी का अपना एक अंदाज है, हर आदमी का अपना एक अलग आइडियोलॉजी है। मैं इस बात से कतई अस्वीकार नहीं कर रहा कि वो सकारात्मक तरीके पे नहीं जा रहा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि वो अपने टारगेट को अचीव नहीं करेगा, करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन वो वही बात है कि एक व्यक्ति का रास्ता 15 मिनट वाला है, एक व्यक्ति का रास्ता 10 मिनट वाला है, एक व्यक्ति का रास्ता 5 मिनट वाला है। तो जो इंटीग्रेटेड वे में स्वपरिवर्तन वाली बात आएगी वो संभवतया नहीं हो पाएगी। तो हमें ये डिसाइड करना होगा, जो कुछ भी, जो लोग भी मूल्यों की बात करना चाहते हैं या वैल्यूज डेवलप करना चाहते हैं, चाहे मीडिया में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वैल्यूज की बात जहां आती है वहां सारे क्षेत्र उसके लिए एक है। तो मैं आज इस मंच से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि जो बंधु, जो मित्र, जो साथी मीडिया इनिशिएटिव्स फॉर वैल्यूज पर काम करना चाहते हैं, जो वैल्यूज के लिए काम करना चाहते हैं, एक मंच भी इसके लिए बना है, उसमें एक एक सिनॉप्सिस तैयार करें कि हमारा, उसे वर्कआउट करें कि हमारी कार्य योजना क्या होगी, हम इसमें कैसे 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 बदलाव ला सकते हैं। हम फिर वही बातें, मेवाड़ के कबीर हुए हैं बाबूजी चतर सिंह जी, बड़े फेमस कवि रहे हैं और वो छोटी छोटी बातों को बड़े अच्छे से सहजता से कहते थे। मैं उसकी एक बहुत छोटी सी बात, एक दोहा है वो बताना चाहता हूँ। वी अच्छा ने वी खोटा तो वो भोगेगा वारो, वी यूं की दो, वी यूं की दो, थैंके की दो थारो। आप अपनी फिक्र करें, बात सही है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड वे में हम एक एक जगह इकट्ठे होकर के इसको वर्कआउट करें और ये तय कर लें कि हमको इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जाना है और यहाँ आकर के हमारा झंडा गाड़ना है। तो उस झंडे को स्थापित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए, उसको वर्कआउट करना पड़ेगा और हम सभी लोगों को एकजुट होकर के पर्ची दिखाने जा रही है। मैं इससे पहले रख दूंगा अपनी बात को कि इंटीग्रेटेड वे में हम लोग डिसाइड करके ये तय कर लें कि हमको सबको डायरेक्शन वही है, सबको जाना वही है, लेकिन अलग अलग रास्ते ना चुने, एक ही रास्ता चुने, चाहे वो मीटर गेज हो, चाहे वो ब्रॉड गेज हो, चाहे नैरो गेज हो, लेकिन हम बहुत जल्दी उसको पा लेंगे, हासिल कर लेंगे अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म में करेंगे तो। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता डॉक्टर मनोज लोधा जी, आपने बहुत ही अनुभव से अपने विचार हमारे सामने रखे हैं। आप पिछले दो दिनों से सुन रहे हैं कि मीडिया में आध्यात्मिकता का समावेश होना चाहिए। राजयोग आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान एवं योग आत्मा में अंतर्निहित गुणों का विकास करता है, शक्तियों का विकास करता है। योग में हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, जिससे हम अपने परिवर्तन की सही दिशा को समझ पाते हैं। समाज में और व्यवसाय में हम क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं वो भी हम सहज रूप से कर सकते हैं। तो अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय रंजन बहन जी को, आप सूरत वलसाड़ जोन की संचालिका हैं, आप मीडिया विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं,
पिछले 30 वर्षों से आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है। बिजनेस विंग की कार रैली में और ग्राम विकास प्रभाग के अभियान में आपने देश भर में यात्राएं करके आध्यात्मिक संदेश को जन जन तक पहुंचाया। तो मैं रंजन बहन जी से अनुरोध करती हूं कि वो कुछ समय के लिए हमें राज्यों की शांति का अनुभव कराएंगे। अब शांति मूल्यनिष्ठ समाज के स्वर्णिम संसार के रचयिता विश्व परिवर्तक विश्व के कल्याणकारी शांति के सागर परमात्मा की सर्व प्यारी संतान देश पर विराजमान वक्तागण एवं सभा में उपस्थित भारत के कोने कोने से आए हुए मीडिया से संबंधित हमारे प्यारे भाई बहनों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को लेकर के हम चल रहे हैं कि 21वीं सदी के लिए नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की पुनः स्थापना। जैसे कहा जाता है कि पानी की कमी के कारण कितना भी हरा भरा बगीचा हो लेकिन वो सूख ही जाता है, भोजन की कमी से कितना भी तंदुरुस्त व्यक्ति अगर बीमार हो ही जाता है, पेट्रोल की कमी के कारण कितनी भी अच्छी गाड़ी हो लेकिन वो चलती हुई रुक ही जाती है, ऐसे ही अगर जीवन के अंदर परमात्मा के साथ के संबंध की कमी हो, परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुटा हुआ नहीं है, तो उसके कमी से जीवन के अंदर जो संबंधों में आत्मीयता होनी चाहिए या हम अपने जीवन को जिस प्रकार से आध्यात्मिकता के पथ पर ले जाते हुए प्रगति के अंदर अग्रसर हो, वो कभी हो नहीं सकता या असंभव है। जमीन के अंदर डाले हुए बीज को अगर पानी खातर और प्रकाश मिलता है तो वह बीज अंकुरित होकर के ही रहता है। ऐसे ही मन की भूमि के अंदर भी जो भी सम्यक विचार है, जो भी आध्यात्मिक विचार है, अगर उन्हों को हम मन की भूमि के अंदर प्रवेश देते हैं और ध्यान के द्वारा अगर उसका अभ्यास करते हैं तो वह हमारे जीवन व्यवहार के अंदर आते ही है। आज विशेष जो बातें चल रही है, अखबार, रेडियो और दूरदर्शन, अगर उसको सार रूप में मैं कहूँ तो आज का समाचार पत्र सुविचार पत्र बन जाए, आकाशवाणी अमृतवाणी बन जाए और दूरदर्शन दिव्य दर्शन बन जाए, तो जो हम नैतिक मूल्यों वाली सदी लाना चाहते हैं वो हम बहुत जल्दी उसको साकार रूप दे सकते हैं। पिछले 2 घंटे से हम जो भी बातें सुन रहे हैं, लेकिन अगर उसको हमें अपने जीवन के अंदर अमल में लाना है तो उन्हीं बातों के ऊपर विचार सागर मंथन करना होगा। शांति से बैठकर उन्हीं विचारों के ऊपर एक झांकी लगाते हुए अगर हम अपने अंदर जाएंगे तो वह विचार जरूर हमारे जीवन के अंदर साकार रूप ले सकेंगे। तो हम थोड़ी क्षणों के लिए इस साकार दुनिया से पार एक ऐसा योग का अभ्यास करेंगे कि जिसके अंदर अपने को इस देह से न्यारा
ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझते हुए मन और बुद्धि के द्वारा एक ऐसी अनंत की यात्रा करे और अपने अंदर उन गुणों का अनुभव करे। स्वयं को इस देह से न्यारा एक अविनाशी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप चैतन्य सितारा प्रकृति के बीच में अनुभव करें। अचर अमर अविनाशी चेतना शक्ति आत्मा हूं। मन बुद्धि और संस्कार सहित इस देह को चलाने वाली देह की मालिक इस देह से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा के निचे गुण शांति आनंद पवित्रता शक्ति प्रेम ज्ञान है। मन और बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा अपना निजी घर जो कि परमात्मा का भी घर है सूर्य चांद तारागण से भी पार ब्रह्म महतत्व शांति धाम पहुंच रही हूं जिस घर में आत्मा के परम पिता सर्व गुणों के भंडार मूल्यों के दाता शिव बाबा विराजमान है। पिता परमात्मा के समीप पहुंचते पिता के गुण एक फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। शांति के सागर पिता की शांति की किरणें
आनंद की किरणें, सुख की किरणें, शक्तियों की किरणें, शावर के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा इन्हीं गुणों के सावर में अपने आप को प्रफुल्लित अनुभव कर रही हूं। अपने अंदर एक शक्ति का संचार हो रहा है। अपने जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो रही है। अपने में उमंग उत्साह का अनुभव करती हूँ। हिम्मत का अनुभव करती हूँ। पिता के सान्निध्य में इन्हीं गुणों का अनुभव करते हुए पुनः इस देह की दुनिया में, इस देह में प्रकृति के मध्य विराजमान होती हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन बहन जी। अब मैं इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय भ्राता मोहन जी से निवेदन कर रही हूँ। कार्यक्रम के हम अंतिम चरण में हैं। भ्राता मोहन जी वर्तमान में साइंटिस्ट एवं इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप ज्ञान सरोवर के एकेडमी कोऑर्डिनेटर भी हैं। इससे पूर्व में ONGC में आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर कार्य कर चुके हैं। इसी दौरान कार्य करते हुए आपने आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनेक सेवा केंद्र खोले। आप पिछले 30 वर्षों से राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं और 10 वर्षों से आपने अपना पूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के प्रति समर्पित किया है। आपके नेतृत्व में 7 पर्यावरण जागृति अभियान निकाले गए और इसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको 1992 में पर्यावरण श्री का अवार्ड प्रदान किया। इसके अलावा भी आपको 2 इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड मिल चुके हैं जो शांति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किए गए। भ्राता मोहन सिंघल जी विदेशों में भी अनेक स्थानों पर इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के निमित्त यात्रा कर चुके हैं, तो मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ। ओम शांति। आज के कार्यक्रम के हमारे विद्वान वक्तागण और सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों, जब यहाँ इस सत्र मैं आने के लिए मैं निकल रहा था तो एक न्यूज़ कान में पड़ी। टीवी पर आ रहा था
कि एक जम्मू कश्मीर में डोडा में आतंकवादियों ने एक ही समुदाय के 22 व्यक्तियों की हत्या कर दी है और वहाँ पर मतलब इस प्रकार से थोड़ा तनाव व्याप्त है जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार की घटना कोई नई नहीं है, आए दिन हम सब सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और आप सब तो उस क्षेत्र में कार्यरत हैं जो भी न्यूज़ आती हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए, इसीलिए वैसे तो कोई नवीन बात नहीं है, लेकिन आज के दिन के लिए विशेष करके क्योंकि आज 1 मई का दिन है और आप सब जानते हैं इसे लेबर डे के रूप में भी मनाया जाता है, गुजरात महाराष्ट्र का भी ये स्थापना दिवस है और साथ ही साथ जब मीडिया की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार हो रहा है और जब हम ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं रेस्टोरिंग मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ इन 21st सेंचुरी, तो इस 21st सेंचुरी के लिए ये आवश्यक है कि जब चारों तरफ विकास का नगाड़ा बोल रहा है, हर तरफ विकास ही है, चाहे आर्थिक क्षेत्र है चाहे कोई भी क्षेत्र, लेकिन जो ये हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, अंदर का क्षेत्र है, मूल्यों का क्षेत्र है, इसमें शायद गाड़ी उल्टी दिशा की तरफ थोड़ा चल रही है, मूल्यों का अवमूल्यन ही ज़्यादा दृष्टिगोचर होता है। तो जब ये विषय मैं पढ़ रहा था 21st सेंचुरी का, तो इस शताब्दी की एक विशेषता है, वैसे तो बहन जी ने बताया 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी और ये 21वीं शताब्दी में हम हैं, हर शताब्दी की कोई विशेषता होती है और ये तो अभी शुरू ही हुई है, लेकिन पिछले अनुभव के आधार पे किसी ने ठीक कहा है कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, दिलों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। सड़कों पर उजाले यानी विज्ञान की तरक्की तो बहुत है चारों तरफ, लेकिन जो अंदर का तरक्की होनी चाहिए आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से, मूल्यों के दृष्टिकोण से, वह शायद उसे मैच नहीं कर रही है। इसीलिए बहुत बड़े हमारे विचारक होके गए हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कहा है विज्ञान की तरक्की के ऊपर, आपने सुना होगा कि साइंस हैज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिनिश्ड अवर स्पिरिचुअल पावर, वी हैव गाइडेड द मिसाइल्स बट मिसगाइडेड द मैन। अर्थात वैज्ञानिक तरक्की में चारों तरफ हम अपने को, अपने मूल्यों को, अपने आध्यात्मिकता को भूलते चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भी। भारतीय संस्कृति में की एक विशेषता है, वो कहती है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति एक दूसरी बात कहती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, केवल जो फिटेस्ट है उसे ही जीने का अधिकार है और जो फिटेस्ट नहीं है, जो सबसे ऊपर के क्षेत्र में नहीं है, उसको जीने का अधिकार नहीं। और शायद इस बात को हम लोग अपने इंडस्ट्रीज़ में, सब चीज़ों में देख ही रहे हैं पिछले 10-12-15 वर्षों में कि किस प्रकार से भारतीय उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं और जहाँ एक और क्वालिटी बढ़ती चली जा रही है वहाँ पर कई प्रकार की विषमताएँ भी आ रही हैं। इसलिए आवश्यकता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की, कि जहाँ ये डेवलपमेंट भी हो, बहुत अच्छी बात है, हर क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनता जा रहा है और जैसे हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा है, स्वप्न देखा है कि 2020 तक हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएं, और उसमें मीडिया की बहुत बहुत बड़ी अहम भूमिका है और ये वास्तव में अब लगने लगा है कि हम अवश्य बनेंगे, लेकिन एक यूनिडायरेक्शनल मार्ग पर चलने से नहीं, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट से। और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी होती है कि इस एकेडमी के अंदर जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो सब होलिस्टिक नेचर के हैं। ये आपका इस श्रृंखला में ये हमारी लगभग दूसरी कॉन्फ्रेंस है। अप्रैल से जुलाई अगस्त तक हमारे जितने 17 प्रोफेशनल विंग्स हैं वो आपको बताया गया होगा पहले दिन, और वो सब की एक एक कॉन्फ्रेंस होंगी, लेकिन उनकी विशेषता यही होगी
कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर आधारित होंगी, चाहे वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस हो, मेडिकल क्षेत्र की हो, यूथ की हो, वुमेन्स की हो, तो होलिस्टिक क्षेत्र में किस प्रकार से। तो मेरा एक नम्र निवेदन आप सब से यही रहेगा कि मीडिया की प्रगति भी आप देखिए कि होलिस्टिक हो, केवल बाहर के क्षेत्र में नहीं। जो कई बार हम अपने को बचा लेते हैं, भाई हमारा काम तो रिपोर्टिंग करना है, जैसा अभी आज के वक्ता कुछ बता भी रहे थे, लेकिन हमारा नैतिक दायित्व भी है समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। तो इसीलिए ये होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक से मेरा तात्पर्य यही है कि केवल फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं, फिजिकल हो, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, प्रोफेशनल, हर क्षेत्र में तरक्की हो। तो बाहर के क्षेत्रों में तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे आंतरिक इमोशनल क्षेत्र है, हमारे पारिवारिक क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों में, बल्कि संबंधों में कटुता बढ़ती चली जा रही है, अक्सर करके फैमिली ब्रेकडाउन्स देखते चले जा रहे हैं आदि आदि। तो इस विषय पर मैं एक बात यह बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो हमारा ये प्रोग्राम्स हैं, और आप जो भी नेक्स्ट सेशन में वैलेडिक्ट्री सेशन है उसमें रेजोल्यूशन कुछ आएगा या एक एक्शन प्लान आएगा, तो वो एक्शन प्लान आपका एक ऐसा हो जो केवल आप तक ही सीमित न रहे, लेकिन हर एक व्यक्ति ये महसूस करे ये मेरा अपना एक्शन प्लान है। और वो तब होगा जब एक्शन प्लान 3-4 लेवल्स पर हो। एक हो पर्सनल लेवल पर एक्शन प्लान, एक हो सोशल लेवल पर, एक फैमिली लेवल पर, एक कोई नेशनल लेवल पर। अक्सर करके हम नेशनल लेवल या प्रोफेशनल लेवल पर तो एक्शन प्लान ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर हम नहीं कर पाते हैं उतना। तो मेरा एक नम्र निवेदन आप सबसे रहेगा कि नेक्स्ट सेशन में जो हो तो एक पर्सनल लेवल पर भी आपका एक्शन प्लान डेवलप हो, और तब रेस्टोरिंग ऑफ मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ की बात हो सकेगी। क्योंकि मनुष्य समाज की इकाई है, तो मॉरल वैल्यू व्यक्ति से संबंध रखती हैं, जबकि सोशल वैल्यू एक समाज से भी संबंध रखती है। और व्यक्ति चूंकि इकाई है, मॉरल वैल्यूज़ अगर होती चली जाएंगी, आज भी एक वक्ता कह रहे थे कि जो हमारे पहले होके गए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक आदि, उनमें नैतिक बल था, मॉरल अथॉरिटी थी, और इस कारण से वो लीड कर सके। तो इसलिए आवश्यकता आज ये है कि एक मॉरल अथॉरिटी भी मीडिया वालों को एस्टेब्लिश करने की, और जिसकी मॉरल अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाती है वो फिर जो भी बात बोलता है हर एक उसे आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि आज का समाज जो है 3 बातों से ग्रसित है हर तरफ। हमारे राष्ट्रपति जी भी आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी, और अगले दिन न्यूज़पेपर में, कई न्यूज़ मेजर न्यूज़पेपर में हेडलाइंस भी ये थी राष्ट्रपति जी को कोट करते हुए कि आज विश्व जो है एक भय से ग्रसित है, हर एक को भय है पता नहीं क्या होगा। बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनको दूसरा भय है आतंकवाद का, जो गरीब है उसे अपनी रोजी रोटी का, हर क्षेत्र में एक भय व्याप्त है। और सबसे बड़ा भय तो आप जानते हैं किसका होता है, मृत्यु का होता है। क्योंकि भय कई प्रकार के होते हैं, सत्ता खोने का भय, शक्ति का खोने का, कई प्रकार के, लेकिन मृत्यु का भय सबसे बड़ा होता है। इसीलिए आवश्यकता आज ये है इस भय के ऊपर भी विजय प्राप्त करने की, राष्ट्रपति जी ने भी कहा था। लेकिन कैसे विजय प्राप्त करें, उसके अंदर ये सेल्फ एम्पावरमेंट आता है, मॉरल सोशल वैल्यूज़ का जो अल्टीमेट रिजल्ट है कि हम अपने को इतना शक्तिशाली, आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाते चलें। हमारे पूर्वज भी कह के गए हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को हम शक्तिशाली बना लें, और उसका एक छोटा सा तो आपने यहाँ पर देखा योग का प्रयोग भी, वो भी मुख्य यही है कि हम अपने मन को शक्तिशाली, और जब मन को हम शक्तिशाली बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति का हम सामना कर सकेंगे। कल से ही कई ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान ने इंडियन इंजीनियर्स को मार दिया, कितने दृश्य आ रहे हैं, वास्तव में कैसा हृदय होता जला जाता है। तो ये वातावरण तो बढ़ता ही चला जाएगा भय का, लेकिन इससे बचने का साधन है एक तो हम अपने सेल्फ एम्पावरमेंट करते चले शक्तिशाली। दूसरा, आज का समाज भोग से ग्रसित है, भोगवाद, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये आज का एक सिद्धांत बनता चला जा रहा है।
तो देर इज नथिंग रॉन्ग, जो कोई भी चीजें होती है भोगने के लिए होती हैं, और ये चीजें होती हैं मनुष्य ही उन चीजों को भोगता है। आज ये बिजली है, इसका जो भी अप्लायंसेस हैं मनुष्य शांति सुख के लिए अपने आनंद के लिए बनाता है, चाहे फ्रिज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई कंप्यूटर को, वाट एवर इट इज, लेकिन भोगने वाली सत्ता आत्मा है। अगर भोग के साधन बहुत अच्छे अच्छे बन गए, लेकिन अगर भोगने वाली सत्ता जो है आत्मा, वो शक्तिशाली नहीं है, तो जितने साधन भी अगर अच्छे होंगे, वो साधन भी उसको आनंद प्रदान नहीं कर पाएंगे। मुझे कई विदेश में जाने का मौका मिला, सब चीज है वहां पर, डनलो पिलो के ऊपर सो रहे हैं लोग, पूरा एयर कंडीशन मकान है, लेकिन नींद नहीं आती। ये विडंबना है कि ऐसे विकसित राष्ट्रों में जो सबसे ज्यादा गोली बिकती है वो नींद की गोली, नींद नहीं आती। दूसरा, सबसे ज्यादा फैमिली ब्रेकडाउन होते हैं, सुसाइड केसेस होते हैं। क्यों? अगर यही विज्ञान, यही सत्ता जो है धन धान्य सुख शांति देने का अगर साधन बन जाते तो हर मनुष्य सुखी हो जाता, लेकिन नहीं। तो आवश्यकता यह है कि बाहर की तरक्की के साथ साथ, जिसको मीडिया रिपोर्ट करता है, करना भी चाहिए, उसके साथ साथ आंतरिक तरक्की का भी कोई ऐसा कॉलम, कुछ अखबार में तो हैं थॉट फॉर द डे और स्पिरिचुअल कॉलम्स, लेकिन वो इतने बड़े अखबार में एक बहुत छोटा सा पार्ट प्ले करते हैं। तो आंतरिक तरक्की का भी अगर हम उसके अंदर कुछ ज़्यादा अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे क्या होगा, जहाँ दोनों मैच होंगे, बैलेंस होंगे, वहाँ मनुष्य रियल क्षेत्र में शांति और सुख की अनुभूति कर सकेगा। और तीसरा, आज का मनुष्य है भ्रम से ग्रसित, और ये इंडिविजुअल लेवल, कौन सा भ्रम, क्योंकि आज मेटेरियलिज्म है, भोगवाद की संस्कृति है, तो इसलिए मनुष्य अपने को शरीर समझ बैठा है, ये भ्रम सबसे बड़ा है, और उससे ही संबंधित सारी बातें होती हैं। नो डाउट वी आर बॉडी, बट अलॉन्ग विद द बॉडी, शरीर के साथ साथ हम उसके अंदर आत्मा है, और ये बात न समझने के कारण संबंधों में कटुता आती चली जा रही है और मनुष्य दुखी होता चला जा रहा है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, ये शरीर है, जिस्म है, और रूह आत्मा है। दुनियावी क्षेत्र में जब कोई दो व्यक्ति साथ साथ रह लेते हैं, दो चार पाँच दस बीस साल बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन क्या विडंबना है, देखिए कि जिस्म और रूह का एक अजीब इत्तफाक देखा, कि उम्र भर साथ रहे फिर भी रूबरू ना हो सके। जिंदगी भर साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते। आत्मा कहती है एक चीज, शरीर दूसरा करता है। हम थ्योरेटिकली जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा आ जाता है। हम जानते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, डिब्बी पर लिखा होता है, फिर भी हम पी लेते हैं, हम ड्रिंकिंग कर लेते हैं। कई बातें हैं थ्योरेटिकली हम जानते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि विल पावर हमारी कमजोर हो गई है, और ये विल पावर बढ़ेगी हमारी आध्यात्मिक आंतरिक शक्ति से। इसीलिए पूरी कॉन्फ्रेंस का सार तो मैं एक बात से समझता हूँ कि हम सब इसको सफल तब समझेंगे, मॉरल सोशल वैल्यू का रेस्टोरेशन भी तब होगा, जब हम अपने को एम्पावर करेंगे, और हम अपने को जितना एम्पावर करते चलेंगे उतना आगे होते चलेंगे। बड़ा अच्छा कहा है कि इसके लिए एक दो बातें बस याद रखने की आवश्यकता है। पहली बात, भाई मैं आत्मा राजा हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ मेरी प्रजा हैं, तो ये राजा के वश में प्रजा रहनी चाहिए। आज उल्टा हो गया है कि मन जो है वो आत्मा को चला रहा है, कर्मेंद्रियाँ चला रही हैं, कोई चीज़ देखी उसके वशीभूत हो जाते हैं और आत्मा राजा की बजाय दास बन जाती। बड़ा अच्छा कहा है किसी ने कि तू एक दिन भी जी शहनशाह बन के जी, मत पुजारी बन के जी, खुद भगवान बन के जी। तो कैसे होगा ये होगा सेल्फ एम्पावरमेंट से, और इसके लिए आप थोड़ा सा और अधिक समय निकालेंगे तो अवेयरनेस प्रोग्राम जो इस ऑर्गेनाइजेशन के चलते हैं उसमें आप वास्तव में लाभान्वित होंगे। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एक्शन प्लान तब सक्सेसफुल होता है जब उसके प्रति एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस लाई जाए। तो मेरे ख्याल में आज एक इस इंस्टीट्यूशन की ये विचारधारा है, सबसे बड़ी आवश्यकता आज एजुकेशन की ये है, अपने को हम एजुकेट करें मीडिया से संबंधित जो हैं। और एजुकेशन के चार मुख्य एस्पेक्ट हैं कि जो फिजिकली मनुष्य को हेल्दी बनाए, मेंटली इंटेलेक्चुअल बनाए, सोशली लविंग बनाए, और स्पिरिचुअली ट्रूथफुल बनाए।
तो ये चारों एस्पेक्ट जो होलिस्टिक प्रोग्राम के अंदर यहाँ बताए जाते हैं, मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोग भी अपने अपने स्थानों पर जब लौटेंगे तो वहाँ पर जो ब्रांच हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके अगर चलेंगे तो उनके सहयोग से जो हम सब लोग कार्य करेंगे, आपके सहयोग से और ब्रह्मा कुमारीज दोनों मिलकर एक नए मॉरल और सोशल वैल्यूज़ की स्थापना कर सकेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता मोहन जी, आपने हमें सेल्फ एम्पावरमेंट की प्रेरणा दी और बताया कि बाह्य उत्थान के साथ साथ आंतरिक उत्थान भी आवश्यक है और इस सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए हमें आत्मिक स्मृति में रह करके कार्य करना चाहिए। ये सत्र अभी यहीं समाप्त होता है। अंत में मैं इस सत्र के सभी आदरणीय वक्ताओं का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी कि आपने शांति और धैर्य से इस कार्यक्रम को सुना। समापन सत्र इसके तुरंत बाद ही प्रारंभ होने जा रहा है, आप सभी यहीं बैठे रहेंगे। ब्रह्मा कुमारीज का इसीलिए रिसेंट प्रोजेक्ट रहा है लिविंग स्पिरिचुअलिटी, नॉट जस्ट स्पीकिंग स्पिरिचुअलिटी और टॉकिंग स्पिरिचुअलिटी बट लिविंग स्पिरिचुअलिटी, अर्थात समाज रूपी बगिया में मीडिया एक फूल है तो मूल्य उसकी सुगंध है। अब सुगंधित फूलों से हमारे मंचासीन वक्तागणों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बड़ौदा से आई हुई ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि हमारे मेहमानों का पुष्प गुच्छों से स्वागत करें और बैजेस से उन्हें सम्मानित करें। आप सभी सभा में उपस्थित भाई बहनें करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। जब तक फूल प्रदान हो करतल ध्वनि चलती रहे। हम सबका मन आपके अभिनंदन में, आपके सत्कार में पुलकित है। राजेश राजोरे खामगांव से स्टेज के पीछे शांतनु भाई से मिले। इस मीडिया सेमिनार में आए हुए एक मीडिया कर्मी ने अनुभव सुनाया, कहा बहन जब मुझे मेरे चैनल वालों ने इस सेमिनार के लिए नॉमिनेट किया तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ और उसी गर्व के साथ मैं ज्ञान सरोवर परिसर में एंटर हुआ कि जैसे मैं ही VIP हूँ, अ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। पर जब मैंने राजयोग मेडिटेशन का पहला सत्र सुना तब मुझे लगा स्टिल आई एम VIP, अर्थात वेरी इग्नोरेंट पर्सन। और अब मीडिया सेमिनार से और राजयोग मेडिटेशन के सेशन से मुझे इतना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है कि अब भी मैं महसूस करता हूं कि आई एम VIP, अर्थात वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन। और परमात्म ज्ञान से भरपूर, प्रभु प्यार से भरपूर होकर के अब मैं जा रहा हूं तो उनके इस अनुभव को नृत्य द्वारा पेश करेंगी कुमारी भक्ति, कुमारी सुरभि, जयश्री, कार्तिकी और पवित्र। गीत के बोल हैं, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए, थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। और आप सभी इस गीत को तालियों से सजाएंगे।
ने नृत्य द्वारा आपके अनुभव को दर्शाया है। मीडिया इज बेस्ड ऑन फोर ईज। द फर्स्ट ईज एजुकेशन, सेकेंड एंटरटेनमेंट, थर्ड एनलाइटनमेंट एंड फोर्थ एम्पावरमेंट। दो ईज तो काफी समय से उससे ही शुरुआत हुई मीडिया की,
और अभी जब से स्पिरिचुअल चैनल्स आए हैं तो थर्ड ई एनलाइटनमेंट भी आ गया है, लेकिन जो मिसिंग है पिलर वो है एम्पावरमेंट. टू एम्पावर अस आई वुड फर्स्ट लाइक टू इनवाइट ब्रदर चिन्मय शर्मा जी फ्रॉम गुवाहाटी आसाम. फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स ही इज एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन. He is a television producer for Doordarshan and many private channels. You are a CEO of Om Shanti Channel, which produces different Brahma Kumari programs and give it to the different channels. It is my privilege to invite Brother Chinmay Sharmaji. May I now request you to kindly enrich us with your experienced views on today's subject. Distinguished guests on the dais, Bhaiyo Bahano, Om Shanti. Om Shanti, hockey exercise shuru kare. Maze mein hai na, aap log. Anyway, Santanu Bhai jo kal raat mere ko bola ki Chinmay Bhai aap yes, last seminar mein aap hai. मैंने सोचा ठीक है मैं वोट ऑफ थैंक्स आज देना होगा. नहीं 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 आप मेन स्पीच ही देना होगा. मैंने बोला यार मैं आता हूँ माउंट आबू बेट टू रिचार्ज माई सेल्फ, तो मेरे को रात को नींद क्यों बर्बाद करते हैं. कुछ नहीं नहीं करना, मैंने बोला कि अब करना है. तो मैं रात को सोचा कि मैं क्या बताऊँ अल्बुक को, तो बाबा से बोलो. बोला कि ताछाया कि अपना उन एक्सपीरियंस बता दे दो मिनट में, बस मैं वही आज आपके पास ये करना हो. मैं असम का हूँ, एसएमईज हूँ, इसलिए हिंदी इतना अच्छा नहीं है, समझ आते हैं उसके लिए. मैं ज्ञान में आया अराउंड 1991-92 में. इस मधुबन पहले 92 में जब आए थे, उषा बहन से जस्ट 5 मिनट मुलाकात हुआ. वो जस्ट 5 मिनट में एक बात मेरे को बताया कि देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स. You keep on thinking, there are 4 types of thoughts. One is positive, one is negative, one is routine, and one is waste. Now, if you can convert your waste thoughts and negative thoughts to positive thoughts, you are a success in life. And this can be done by getting in connection with the supreme energy, which gives you the positive vibration. Bas, ye simple cheez turned my whole life. तो इमीडिएटली मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू डू वट एवर पॉसिबल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स. मैं याद है 92 में जब मैं यहाँ आया था तो दिस वॉज जस्ट बींग मेड फाइनल टच. तब भी मैं सोलर एनर्जी में भी मैं काम करते हूँ, तो यहाँ जितना भी सोलर एनर्जी का काम है, गोलू भाई जो अब जर्मन का भाई है तो उसका साथ भी लग गए थे. और आई एम वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन मेकिंग ऑल दिस सोलर एनर्जीज हियर. फिर करुणा भाई से मुलाकात हुआ. करुणा भाई को बोला कि टेलीविजन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. सिंस आई एम अ टेलीविजन प्रोड्यूसर, आई एम द फर्स्ट प्रोड्यूसर फॉर गुवाहाटी दूरदर्शन. एनीवे तो बोला कि आप जो हो सकता है आप करिए. तो इमीडिएटली मैं जाके ये किया कि अपना बाबा का इतना अच्छा अच्छा सॉन्ग्स है उसको विजुलाइज किया, शुरू किया. फिर मैंने जो हमने सीरियल्स बनाता है गुवाहाटी में, वहाँ तो सेम एस अपना जो अभी स्टार प्लस वगैरह में चलता है ये झगड़ा ये मैं को लगा ये सब नहीं चलेगा मेरे से अभी. तो आई अप्रोच दूरदर्शन कि मेरे को एक सीरियल चाहिए ओम शांति का नाम है. तो दूरदर्शन वाले बोला कि ये स्पिरिचुअल चीज हम लोग का अभी नहीं चलेगा. मुझसे क्यों नहीं चलेगा, अगर रामायण चल सकता है, महाभारत सकता है, ओम शांति क्यों नहीं चलेगा. एंड आई एम आस्किंग ऑन द स्पॉन्सर कैटेगरी, तो आपको पैसा मैं भी दे रहा हूँ. तो एनीवे अल्टीमेटली आई गॉट इट अप्रूव्ड और मैं इसको गुवाहाटी दूरदर्शन में मेन प्राइम टाइम में अंडर स्पॉन्सर कैटेगरी एक चैलेंज लेके अराउंड 4 इयर्स में चलाया उसको. और उसमें भी मैं वेरी क्रिटिकल हुआ. नो लाइक हिंदुस्तान लीवर वॉज मै नो मै एडवर्टाइजिंग. अच्छा नहीं, फेयर एंड लवली नहीं चलेगा मेरा इसमें वगैरह वगैरह. तो वो सब मैं अल्टीमेटली वी मेड इट अ सक्सेस. एंड देन अभी नेशनल लेवल में भी चलू है. देन वी आर इन जागरण, वी आर इन संस्कार एंड अदर्स दिस थिंग. मैं जस्ट 2-3 चीज और बोल सकता हूँ कि
मेरा क्रिएटिविटी आफ्टर कमिंग टू योगा डूइंग दिस योगा माय क्रिएटिविटी हैज इंक्रीज्ड. जैसे मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि गुवाहाटी में यू नो वी हैव दिस गार्बेज प्रॉब्लम, आई एम श्योर बहुत सिटी में होगा. मैं जस्ट बीकॉम ग्रेजुएट हूँ तो मेरा एक हिसाब है कि देखिए अगर एक इंडस्ट्री करे तो वहाँ रॉ मटेरियल इज़ मोर देन 50-60% ऑफ द कॉस्ट. अगर वो रॉ मटेरियल कहीं फ्री मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है. तो मैंने क्या किया, मैंने एक गार्बेज रिसाइकलिंग प्लांट शुरू कर दिया. वहाँ जितना भी गार्बेज है उसको मैं रिसाइकल करता हूँ. उसका टेक्नोलॉजी वेरी सिंपल है, वर्मी कंपोस्ट, आई डोंट नो अर्टवर्म्स केचू जो बोलते हैं हम लोग, उसको लेके मैंने इंटरनेट में गया, ये गया. उस टाइम CNN में एक रिपोर्ट मिला था मेरे को कि बेंगलोर में एक आदमी ने शुरू किया. तन मैं बेंगलोर चला गया, उसको ढूंढा, ढूंढ करके उसका फार्म में गया. आई स्टिल रिमेम्बर दिस आर स्पेशल टाइप ऑफ अर्टवर्म्स एक्चुअली, उस ये अफ्रीकन वेराइटी. मैं 20,000 अर्टवर्म्स प्लेन में लेके गुवाहाटी पहुंचा हो एंड टुडे आई हैव मोर देन 1 crore अर्टवर्म्स इन माई फैक्ट्री. वो दे आर द प्लांट एंड मशीनरीज. वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज क्रिएटिविटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ अस, दिस यू कैन गेट थ्रू दिस थिंग, गेटिंग दिस नॉलेज. सेकेंडली मैं और एक बार शेयर करना चाहते हूँ कि मेरा मिसेस का दोस्त था, वो लोग अमेरिका वगैरह घूम के आ गया, तो मेरा मिसेस बोल रहा है कि हम लोग भी जाना है एक बार यूजुअल, लेकिन इतना पैसा तो चाहिए. तो मैं भी सोचा कि मैं क्या करूँ जिससे, मेरा भी बहुत मन है कि बाबा का यू नो देयर मोर देन 1,500 ब्रांचेस इन 70-80 कंट्रीज, मेरे को विजिट करना है, वो सब बाबा का घर देखना है सब में. तो मैं क्या करूँ, तो एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग एक सीरियल शुरू करें. तो सीरियल हम लोग SMEs में बोलता है एक्चुअली मासो तेल दी मास भाजा, माछ का तेल से ही माछ भाजो. मीन्स कुछ ऐसा काम करो जहां में आप सारा चीज हो, इट सेम टाइम आपका पैसा भी ना जाए. तो एक सीरियल शुरू किया, इट्स कॉल्ड विदेशत अपन मानू, इस विदेश में अपना भाई लोग. तो हम लोग क्या किया, मेरा मिसेस एक्चुअली शी इज एक्ट्रेस, सो आई टोल्ड हर दैट वी विल गो अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन थोड़ा कष्ट भी करना होगा. तो ये आप थोड़ा इंटरव्यूज ले लेना जो जो भाई बहन बाहर में है अपना आसामीज का, एंड देन वील मेक ए सीरियल आउट ऑफ इट ऑल्सो. तो वैसा करके बिलीव मी दूरदर्शन से भी अप्रूवल लेके अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी हम लोग अमेरिका, लंदन, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, अराउंड 152 एपिसोड अब तक मैंने कवर किया लास्ट 3 साल में. और जहाँ भी गया एक दिन दो दिन ऑफ करके अपना आश्रम, लंदन पीस पार्क है, पीस विलेज है इन अमेरिका, देन ऑक्सफोर्ड में अपना बड़ा ऑक्सफोर्ड सेंटर है, जहाँ जहाँ भी सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में जहाँ भी है, आई हैव गॉट द फॉर्चुनेट ऑफ सीइंग दैट. एंड वहाँ भी हम लोग एक शूटिंग करके एक सीरीज बना रहा है ऑफ द डिफरेंट सेंटर्स अवेलेबल अब्रॉड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एक्चुअली. तो कहने का ये मतलब है कि आई फील दैट मे बी ये आपका योग लेने से आपका टेंशन थोड़ा कम हो जाता है, और बिकॉज टेंशन कम होने से अपना क्रिएटिविटी आ जाता है. तो इनफैक्ट दिस सीरियल हैज़ बिकम नंबर 1 सीरियल इन असम. एंड इनफैक्ट हंसने वाले बात यह है कि मेरा मिसेस इतना फेमस हो गया, अभी कांग्रेस पार्टी ने उसको लेके स्पोक्स पर्सन बना दिया उसको. एनीवे, देन कमिंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी इन टेलीविजन, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट अभी भी मोस्ट ऑफ द चैनल्स हैव स्टार्टेड गिविंग स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स, लेकिन प्राइम टाइम में नहीं बिकॉज ऑफ दैट कॉमर्शियल फैक्टर. तो आई एंड पर्सनली हैव डन दिस कि ओम शांति मैंने चलाया ऑन प्राइम टाइम विद कॉमर्शियल्स एंड आई मेड इट अ सक्सेस. तो उसी तरह से अभी बाहर में भी हम मेन मेन चैनल्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना प्रोग्राम चले, एंड वील ट्राई टू मेक इट वायबिलिटी सो दैट कोई भी मूवमेंट नहीं देना जाए. अगर देता है तो 1 महीना 1 साल देंगे, उसका बाद नहीं देंगे. सो वी हैव टू मेक इट
self sustainable. तो इसके लिए वी आर वर्किंग ऑन दिस. तो मैं जस्ती बात नहीं करना चाहते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई फीलिंग्स विथ यू विथ जस्ट टू थ्री रिक्वेस्ट. एक तो है कि ईच ऑफ यू ऑल हैव योर ओन थिंकिंग. कैसे अपना ये ज्ञान, अगर आपको अच्छा लगा, कैसे इसको अर्थ स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक जिसमें मैं जुड़े हुए हूँ, आपका सजेशन चाहिए. एवरीबॉडी हैज यूनिक आइडियाज. तो कैन यू शेयर विथ अस योर आइडियाज कि हाउ टू गिव दिस नॉलेज टू एवरीबॉडी, नंबर वन. सेकेंडली इज दैट अपना एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है 8th of September, यू मस्ट बी नोइंग, मोस्ट वेलकम फॉर दैट, सो दैट वी कैन मीट अगेन, शेयर आर आइडियाज. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आई रिक्वेस्ट पर्सनली दैट अपना जो 7 days का कोर्स है अपना ब्रांच में जाके कर लिए, उसका बाद आप जाए ना जाए, बट दैट विल रियली हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तो ये 3 बातें करके मैं, मेरा ईमेल नंबर आपको जस्ट दे देता हूँ इनकेस वी इन टू एंटर, मिस सी शर्मा CSHARMA@sifi.com, SIFY. तो वी वॉन्ट टू मीट ईच अदर और कोशिश करेंगे कि एक साथ ही हम लोग ये जो ज्ञान मिला था उसको कैसे हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं. CSHARMA@sifi.com, SIFY.com. सो मैं जस्टी बात नहीं करूँगा क्योंकि आई नो एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गो फॉर साइट सीइंग. थैंक यू सो मच. ओम शांति. थैंक्स ब्रदर चिन्मय जी फॉर योर वैल्यूएबल व्यूज. ट्रूली अ फ्लावर कैन स्माइल विदाउट स्मेल, बट लाइफ कैन नॉट स्माइल विदाउट स्पिरिचुअलिटी. मीडिया के नए नए यंत्र तो निकले हैं, लेकिन अब आवश्यकता है कि उनमें दिव्य मंत्रों का समावेश करें. दिव्य मंत्र अर्थात जीवन में आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यों की धारणा करें. तो मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय भ्राता कमल दीक्षित जी से, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर सोसाइटी ऑफ मीडिया इनिशिएटिव हैं फॉर वैल्यूज एंड एडिटर ओम शांति मीडिया भोपाल, कि वह आकर के रिजोल्यूशन पढ़ करके हमें चिंतन की नई धारा दें. सचमुच आपकी समर्पणमयता और निस्वार्थ सेवाएं सराहनीय हैं भाई कमल दीक्षित जी. ओम शांति. आदरणीय दादी मनोहर इंद्रा जी, करुणा भाई, चिन्मय शर्मा जी, कपिल साहब, चंदा बहन और गंगाधर भाई और आप सब मित्रों, ये समापन सत्र है और घड़ी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और 3 दिन से लगातार जो बातें हो रही हैं, जो कुछ भी कहा जाएगा वो एक तरह से पुनरुच्चार होगा. तो वो सब, और दूसरा ये कि सारी बातों में हम लोगों ने जिन बातों पर विमर्श किया है, चर्चा की है, आपकी सचमुच में हार्दिक और बहुत ही सशक्त भागीदारी रही है, जिसकी वजह से ये चर्चाएं जो हैं वो एक दिशा ले सकी हैं. मगर कहीं ना कहीं ये है कि बातें अक्सर होती हैं और उड़ जाती हैं. वो उड़े नहीं, संकल्पों में बंध जाएं, इसलिए जिन बातों को सुना था और कुछ लोगों के साथ शेयर करके आपके मन को और मेरे मन को एक साथ बांधने की कोशिश की गई है, और अब हम जब यहाँ से जाएं तब ऐसा लगे कि हम किसी सार्थक बातचीत में हिस्सा लेकर आए हैं. इसीलिए ये एक कुछ बिंदु हैं जो एक तरह से इस पूरी बातचीत के निष्कर्ष हैं, और उन निष्कर्षों को हम हमारी कार्य योजना का हिस्सा बनाएं, ये आकांक्षा है. इन्हीं शब्दों के साथ इसकी सहमति के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं. मैं इन बिंदुओं को आपके साथ शेयर करने के लिए पढ़ रहा हूं. मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपके मनोगत को ठीक ठीक समझ पाया हूं, तो निसंदेह आपका
आपकी सहमति इसके साथ है ऐसा मैं मानूंगा। राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के मीडिया प्रभाग एवं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की पहल विषय पर 29 अप्रैल से 2 मई 2006 तक ज्ञान सरोवर में आयोजित मीडिया सेमिनार संपन्न हुआ। इस सेमिनार में भारत के विभिन्न प्रदेशों के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं साइबर मीडिया के 300 से अधिक मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। इनमें संपादक, समाचार संपादक, विशेष संवाददाता, समाचार प्रस्तुतिकर्ता, लेखक, साहित्यकार, मीडिया स्वामी ओनर, मीडिया अधिकारी, मीडिया अध्येता, विश्वविद्यालयों के मीडिया प्राध्यापक, शोधकर्ता एवं प्रकाशक शामिल हुए। सेमिनार के चार खुले सत्रों तथा 4 समानांतर कार्यशालाओं में विषय के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर विमर्श किया गया। इस विमर्श के निष्कर्ष, जिन्हें कार्य योजना के रूप में स्वीकार करने पर सभी की सहमति है ऐसा मैं मान रहा हूँ, वे हैं: 1, बेहतर तथा मूल्यनिष्ठ सामाजिक वातावरण निर्मित करने के लिए मीडिया के सभी स्वरूप अपनी ओर से पहल करेंगे, उनकी यह पहल समाज के सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्य कर रही अन्य संस्थाओं की पहल के साथ सहयोगी होगी। 2, सभी मीडिया कर्मियों का यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि अपने स्वयं के जीवन में मानवीय मूल्यों की धारणा करना चाहिए। इन मूल्यों के सहारे जीवन में आए परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन को गति देने में सहायक होंगे। मीडिया मूल्यों तथा मीडिया कर्मियों को अपने कार्यव्यवहार तथा मीडिया की दृष्टि तथा प्रभाव के संबंध में निरंतर और सामूहिक रूप से विचार करते रहना चाहिए। इस तरह के विमर्श तथा उपाय मीडिया क्षेत्र के कार्य व्यवहार को एक सुनिश्चित आधार देने में सहायक होंगे। 4, मीडिया कर्मी यह अनुभव करते हैं कि मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता तथा मूल्य आधारित जीवन शैली के संबंध में मीडिया विद्यार्थियों तथा नवागत मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस हेतु पाठ्यक्रम बने तथा उन्हें अध्ययन में शामिल किया जाए। समानांतर कार्यशालाओं में ये बात एक नहीं, 2-3 जगह बहुत शिद्दत के साथ उठाई गई। इसके अतिरिक्त पुनश्चर्या, रिफ्रेशर, उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन तथा संवाद, डायलॉग कार्यक्रम भी देश के अन्य स्थानों पर आयोजित किए जाएं। 5, व्यावसायिक हितों और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाया जाए। इसके लिए सकारात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक, मूल्यनिष्ठ आचरण और व्यवहार को आवश्यक बनाया जाए, जिससे लोगों के मन आस्था और विश्वसनीयता अर्जित की जा सके। 6, मीडिया रचनाओं को अधिक स्वस्थ, सकारात्मक, उपयोगी और परिलक्षात्मक सुनिश्चित करने के लिए आध्यात्मिकता के निरंतर प्रयोग और विस्तार पर बल दिया गया। इसमें प्राचीन विवेक, मूल्यों, सकारात्मक सोच, राजयोग, ध्यान, स्वास्थ्य तथा संपूर्ण जीवन मूल्यों का विकास संभव हो सकेगा, जिससे स्वयं को तथा समाज को सशक्त बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। 7, आध्यात्मिकता के माध्यम से व्यक्ति की अंतरात्मा को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जाएं, जिससे व्यक्ति वर्ग, संप्रदाय, जाति, पक्षधरता, उपभोक्तावाद, लोभ, लालच आदि दोषों से अपने आप को बचा सके तथा वह स्वतंत्र, निष्पक्ष, ईमानदार और निर्भीक होकर जनता और समाज के हित में अपना कार्य कर सके। 8 और अंतिम, मूल्यनिष्ठ एवं ईमानदार प्रयासों
तथा लोगों जैसे ब्रह्मा कुमारीज और सोसाइटी ऑफ मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज या इससे जुड़ी इसके साथ और अन्य संस्थाएं, जैसी संस्थाओं को मीडिया का सहयोग उपलब्ध किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके आपकी सहमति और आपकी संस्तुति के लिए यह प्रस्ताव आपके साथ प्रस्तुत है और आप हाथ उठा करके इस बात को अपनी सहमति दे रहे हैं। इस बात को हम सभी बहुत करतल ध्वनि से इस बात को स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई कमल दीक्षित जी। यह प्रस्तावना रख आपने सबके मन में आध्यात्मिकता का दीप जगाया है और आज इतने सारे दीप जग करके अपने अपने कार्यस्थल पर जाएंगे तो अनेक और दीपकों को जगाएंगे, ताकि सब ये कहें कि मीडिया वह जो अंधेरे को उजाला कर देती है, मीडिया वह जो राहगीर को राह दिखाती है और मीडिया वह जो समाज को आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करती है। अब मैं अनुरोध करती हूँ भ्राता एस वी कपिल जी से, डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से, के मंच पर पधारकर इस प्रस्तावना के समर्थन में दो शब्द कहें। मंचा सिंह विद्वचन और सभा का स्थित मित्रों, मैं इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं और हम जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं वह शब्द अपनी परिभाषाएं पूर्णता से पा जाते हैं। मात्र दो पंक्तियां कहूंगा कि आओ कुछ स्नेहिल से शब्दों को बोदें आज, आओ कुछ स्नेहिल से शब्दों को बोदें आज, कल देखना सारा आंगन गजलों से महकेगा। धन्यवाद। ओम शांति। अब मैं अनुरोध करती हूँ भ्राता डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ जी से, जो विजिटिंग प्रोफेसर जर्नलिज्म ऑफ एमजी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी वारधा से हैं, कि आकर के इस प्रस्तावना को अनुमोदन करें। ओम शांति। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के मास कॉम विभाग की ओर से और वहाँ के जो छात्र हैं वो पिछले वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर चुके हैं यहाँ पर, उन सभी की ओर से और जयपुर में डॉक्टर सत्येंद्र जयंती शोध और पत्रकारिता संस्थान दोनों की ओर से इस प्रस्ताव का अनुमोदन हार्दिक रूप में करता हूँ। अब आपके सामने आएंगे भ्राता राजेश राजौर जी, एडिटर देशोनाथी खामगांव से। आपसे अनुरोध है कि आप इस रेजोल्यूशन को सेकंड करें। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडियाकर्मियों के ओर से भाई कमल दीक्षित जी ने जो प्रस्ताव यहाँ रखा है उसका मैं संपूर्ण रूप से अनुमोदन करता हूँ और ये चाहता हूँ कि कल डॉक्टर प्रेम साहब के व्याख्यान के समय हम लोगों ने जिस तरह से तालियां बजाकर अनुमोदन किया था उसी तरीके से उतने ही जोर से तालियां बजाकर हम इस प्रस्ताव का अनुमोदन। अनुरोध है मिस कृष्णा चौहान, यमुनानगर एप्रो से, कि आकर के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें। साथ साथ डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव, सीनियर लेक्चरर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मानक चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म भोपाल से, कि आगे आए और इस रेजोल्यूशन का समर्थन करें। उनके पश्चात आएंगे सोमनाथ पाटिल जी, एडिटर आत्मिक स्वराज मैगजीन एंड वाइस प्रेसिडेंट मुंबई मराठी पत्रकार संघ से, कि आकर के इस रेजोल्यूशन को सहमति दें। ओम शांति। इस सेमिनार में शामिल सभी भाई बहनों की तरफ से मैं भी इसकी सहमति व्यक्त करती हूं और यह आशा करती हूं कि जिस उद्देश्य के लिए हम और आपको बुलाया गया उस उद्देश्य की हम पूर्ति करेंगे। ये हमारे सौभाग्य का विषय है हमारे लिए कि मीडिया को अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास किया गया है। और बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं पाँचवें नंबर को देखिए, व्यावसायिक हितों और सामाजिक जिम्मेदारी, इसके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगी
कि हमें इस सेमिनार के माध्यम से अपने दायित्व का एहसास दिलाया गया है कि अपने दायित्व को हम तटस्थ रहकर पूरा करें और व्यावसायिकता के साथ साथ सामाजिक मूल्यों की स्थापना की ओर अवश्य ध्यान दें। 300 मीडिया कर्मी इस सेमिनार में शामिल हुए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि यहाँ का संदेश 3,00,000 लोगों तक पहुँचना चाहिए। 300 मीडिया कर्मी अपने शब्दों से यहाँ के संदेश को पूरे देश में फैला सकते हैं। फिर एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगी कि मीडिया कर्मी अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझें और खुद जागरूक हों, दूसरों को जागरूक करें, खुद को परिवर्तित करें, अपने आप सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। पहल का उद्देश्य ही यही है। धन्यवाद। ओम शांति। मैं पवित्र श्रीवास्तव एशिया के पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल की ओर से इस रेजोल्यूशन को पूरा समर्थन करता हूं, उसका अनुमोदन करता हूं। इसके साथ ही मैं पब्लिक रिलेशंस और मीडिया कर्मियों की प्रोफेशनल संस्था पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर की ओर से उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में इस रेजोल्यूशन का पूरा समर्थन करता हूं। और तीसरा, ऑल इंडिया मीडिया टीचर्स एसोसिएशन के मेंबर के रूप में भी मैं इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं सोमनाथ पाटिल, मैं मुंबई मराठी पत्रकार संघ का उपाध्यक्ष हूं और एक महाराष्ट्र की बड़ी अखबार है सकाल, जिसमें पहले से ही अपने उपसंपादकों पर मूल्यों के संस्कार करने की खास कोशिश की जाती है, उसमें मैंने बहुत साल काम किया है। तो ये स्वाभाविक है कि दीक्षित जी ने और करुणा भाई ने जो अभियान शुरू किया उससे मैं पहले से ही सहमत हूँ और आज का जो रिजोल्यूशन है उसका मैं पूरे सौहार्द, सद्भावना, सहमति और संपूर्ण सहयोग की कमिटमेंट के साथ अनुमोदन करता हूँ। और आपकी खुशी होगी जानकर कि 21 मई को मुंबई में हमने कुछ पत्रकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया है जहाँ इस रिजोल्यूशन के फॉलोअप के बारे में बात की जाएगी। धन्यवाद। ओम शांति। प्लेनरी सेशन 2 में किसी भाई ने इच्छा व्यक्त की थी कि वो भी आकर के दो शब्द कहेंगे डॉक्टर सविता जी से, वो अगर सभा में बैठे हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबको विशेष धन्यवाद। आप सभी ने प्रस्तावना को स्वीकार कर सहभागिता अर्जित की, उसके लिए आप सबको पेश की मुबारक हो और अग्रिम बधाइयां हो। कहते हैं मीडिया इज अ नेविगेटर, जो समाज रूपी शिप को अपनी लेखनी से, अपने प्रसारण से दिशा देती है। पर आज पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है, उस दिशा को परिवर्तन करना होगा। तो एक नई दिशा देने, एक नया आयाम देने, सब में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता करुणा जी को। स्वयं के नाम को सार्थक करने वाले करुणा भाई अपने मनोबल और दूरांदेशी बुद्धि से संचार साधनों के माध्यम से इस ईश्वरीय सेवाओं को विहंग मार्ग में ले जाने के निमित्त बने। अनुरोध है करुणा भाई से कि हमें अपने महान विचारों से अवगत कराएं। ओम शांति और धन्यवाद। वैसे हम लोगों ने सोचा था आज शाम तक सेशंस करें, परंतु हमारे मीडिया मित्र वृंदों को इतना समय बांध के रखना मुझे सही नहीं लगा और हमारे कुछ मित्रों को भी सही नहीं लगा जो ऑर्गेनाइजर्स है। तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि भाई बहुत हो गया, तो लेट अस हैव ए पिकनिक। तो इसलिए थोड़ा सा दो सेशन को एक करते हुए आप सबका थोड़ा सा लंबा समय चल रहा है ये, तो मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य से हमने किया है उस लक्ष्य की ओर हम सब बढ़े हैं और इसको हम पूर्ण करेंगे। और जैसे आपको बताया गया, सितंबर 8 तारीख से 12 तारीख तक एक बृहद रूप से
लगभग 2 से 3 हजार मीडिया के भाई बहने इस स्थान पर आएंगे और फिर हम लोग विचार करेंगे कि हमने कहाँ तक अपने लक्ष्य के ओर गए हैं और क्या करना है। यह हम लगभग 5-6 साल से कर रहे हैं और लगातार संख्या बढ़ते जा रहे हैं, पर अभी तक सरकार का या अन्य कोई जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान नहीं गया है कि ये ऐसा कैसा हो सकता है कि मीडिया के इतने सारे लोग, हाँ कोई एसोसिएशन होता, उनके कोई यूनियन होते, उनकी कोई मीटिंग होते तो वहाँ जमा होते हैं। अभी भी ऐसा कुछ हमारे भारत में एसोसिएशंस है, यूनियंस है, जैसे अभी विक्रम जी आए थे तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की, दादी जी से रिक्वेस्ट की सबसे कि भाई हम एक अपना मीटिंग यहाँ करना चाहते हैं, हमारे 1500 लोग हम इकट्ठे होके आएंगे ऐसा, क्योंकि एक बार हमने यहाँ कराए थे कई साल पहले। पर अभी हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी वर्ग के सभी पत्रकार ये स्थान को, इस पवित्र वातावरण को अपना समझकर अधिकार से साल में 2 बार कम से कम 1 बार यहाँ आकर के अपना तन मन को शक्तिशाली आराम ईश्वरीय चिंतन करके जाए, ऐसी आशा हमारी दादी जी का है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आपके जितने भी मीडिया वर्ग के मित्र हैं वो ज़रूर ये लाभ ले, ऐसा आशा करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पिरिचुअलिटी इन मीडिया, इस मीडिया शब्द में अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स हैं मी अर्थात सेल्फ। मीडिया में स्पिरिचुअलिटी लाना अर्थात उसकी शुरुआत होगी स्वयं से, नहीं तो मीडिया में वैल्यूज नहीं तो समाज में वैल्यूज एक सपना ही होगा। कहते हैं मेरा भारत महान, तो वो तभी होगा जब मेरे भारतवासी महान होंगे, इसलिए इसकी शुरुआत पहले स्वयं से करेंगे, मी अर्थात सेल्फ। तो इस मीडिया शब्द में आप देखें एम अर्थात मैनेजिंग द सेल्फ, ई अर्थात एनलाइटनिंग द सेल्फ, डी अर्थात डायरेक्टिंग द सेल्फ, आई अर्थात इंट्रोस्पेक्टिंग द सेल्फ और ए अर्थात अडॉप्टिंग वैल्यूज इन सेल्फ। इसी के लिए, प्रेरणा देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्रद्धेय दादी मनोहर इंदिरा जी से, जो हमारी वरिष्ठ दादियों में से है। ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना से ही आपने समर्पित जीवन व्यतीत किया है। दादी जी ज्ञान सरोवर में ही स्थित है और इस ज्ञान सरोवर परिसर का संचालन करती हैं। आप वुमेन्स विंग के चेयरपर्सन हैं, आपने देश विदेश में जाकर ईश्वरीय संदेश दिया है, विशेषतर राजयोग शिविर के आयोजन तथा उसका संचालन आप करती हैं और दादी जी बहुत ही सुंदर शैली में यज्ञ इतिहास सुनाती हैं, जो आप कल मॉर्निंग सेशन के बाद सुनेंगे। दादी जी आप साक्षात मीडिया हैं, एक है संकल्पों की भाषा, शब्दों की भाषा, नैनों की भाषा आप देखें तो दादी के श्रेष्ठ संकल्पों से आप पवित्र प्रकंपन महसूस करेंगे और नैनों से बात करेंगे और शब्दों से दादी से आशीर्वचन सुनेंगे। ओम शांति। मैं ये चाहूंगी कि आप बहुत समय से शांति से ही सुन रहे हैं, थोड़ा आप भी आवाज में आए, अच्छा लगेगा ना? तो कैसी आवाज में आएंगे? मैं ओम शांति बोलूंगी पर आप भी ओम शांति बोलना, 3 बार बोलेंगे मुख खुल जाएगा। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति। फिर इसका अर्थ तो समझाए ना, तो क्या है इसका अर्थ? ओम शांति का क्या अर्थ है? ये तोते की तरह से नहीं हम रटते हैं, पर इसका अर्थ है कि अहम आत्मा शांति स्वरूप हूँ। आत्मा का स्वरूप शांत है। मुख के द्वारा आत्मा बोलती है, परंतु स्वयं शांत है। बोलना उसका काम है, क्योंकि शरीर का आधा लिया हुआ है और जनता के सेवा में आत्मा है, तो उनको सेवा करनी है, परंतु स्वयं जानती है कि मेरा स्वरूप शांत है। तो हम अपने आप को शांति स्वरूप समझ करके फिर शांति से ही समाज की सेवा करेंगे। आज ज़रूरत है सबको शांति की, छोटा हो बड़ा हो सबको शांति चाहिए। तो शांति से जीने भी चाहते हैं, परिवार में कोई रहना चाहते हैं ना, शांति से जीना चाहते हैं, तो हम भी शांति से संसार में जीना चाहते हैं। तो शांति से तब जिएंगे जब हम खुद भी रहेंगे और दूसरों को भी रहने के लिए अपनी प्रेरणा देंगे, अपना वाइब्रेशन फैलाएंगे और ऐसा उनको भी सहयोग देंगे। तो मैं आशा करती हूँ, आज आपका आना हुआ है, कल आना करना, दो दिन से आप सुन ही रहे हो और हम चाहते हैं सुन सुन करके कहीं थक न जाओ, इसलिए थोड़ा बीच बीच में चाहते हैं कि ऐसा भी प्रोग्राम रखे जिसमें आप लोग भी थोड़ा बोलें। तो बोलने से क्या होगा, लेन देन हो जाएगी ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो आज मैं जासी समय नहीं लेती हूँ, टाइम तो हो गया है, इसलिए सिर्फ इतना कहती हूँ, ओम शांति। बोलो ओम शांति। ठीक है, बहुत अच्छा। सचमुच दादी ने कहा, अ परफेक्ट स्पिरिचुअलिटी शाइन्स द लाइट एंड माइट ऑफ पीस, साथ साथ ब्लिस प्यूरिटी लव अंडरस्टैंडिंग। अब मैं अनुरोध करूंगी भ्राता गंगाधर जी से, जो जॉइंट एडिटर हैं ओम शांति मीडिया माउंट आबू के, इस मीडिया सेमिनार के सफलता पर उनका कहना है, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे दादी तेरा शुक्रिया, और आपका शुक्रिया वह स्वयं करेंगे। ये 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का ये अंतिम क्षण है, क्रिकेट के मैदान में लास्ट ओवर बाकी है और उसमें भी कुछ बॉल ही बाकी है, और हम सबको विजय की ओर झंडा लेके अपनी टीम को जीत दिलानी है। ऐसे अवसर पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको देखते हुए। शुरू में एक बात यहाँ भ्राता आदरणीय करुणा जी ने कहा था कि यहाँ आप आए हो रिलैक्स, रिफ्रेश और फ्रेश, रिलैक्स रिचार्ज। तो मैं समझता हूँ चारों दिन में हम सभी साथ मिलकर जो ये चीज़ देखा सुना और आपसे विचार का लेन देन किया, तो हम समझते हैं हम सब रिचार्ज होके वापिस अपने कार्य व्यवहार में यहाँ की शिक्षाओं को साथ लेकर ये एक रिचार्ज होके जाएंगे तो विजय अवश्य होंगी। ऐसे में मैं समय न लेते हुए भ्राता करुणा जी का जो ये संकल्प है, और आदरणीय दादी जी ने कहा कि ओम शांति का मंत्र साथ में ले जाएंगे, तो आपकी कोई भी कठिन समस्याएं, मुश्किल आते हैं या जो भी अड़चने हैं, उसको आप सहज ही जीवन को सरल बनाकर अपने जीवन को एक संतुलित बना सकेंगे। मैं सभी डायस पर उपस्थित सभी महानुभाव भ्राता चिन्मय शर्मा जी, जिन्होंने एक संकल्प से चेंज किया, तो उसने टेक्निक बताई कैसे हम क्रिएटिविटी करते हैं, उन्होंने आकर यहाँ समय दिया, तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भ्राता प्रोफेसर कमल दीक्षित जी, जिन्हों के सानिध्य में मैं समझता हूँ उसने एक परिवर्तन का दौर, एक मीडिया में परिवर्तन का दौर जारी किया। ऐसे आप हमारे जो एक प्रेरणा के स्रोत रहे, ऐसे प्रोफेसर कमल दीक्षित का मैं स्वागत मना आभार व्यक्त करता हूँ। वी एस कपिल जी, जो कि
आकाशवाणी से आप यहाँ 3 दिन हमारे मध्य रहे तो उन्होंने भी अपने शेयर अपने अनुभव शेयर किया और आप सभी ने सुना, आपने भी अनुभव शेयर किया, तो उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दादी मनोहर इंदिरा जी जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में एक महामंत्र हम सबको दिया, तो ऐसे दादी हमारे प्रेरणा के स्रोत जहाँ हम उसके आंचल में हम यहाँ रहे, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के वातावरण के आप ही उसके डायरेक्टर हैं और यहाँ सारी व्यवस्था देखते हैं, आप महान हैं, तो उन्होंने भी आके हमें आशीर्वचन दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ बहन चंदा जी जिन्हें कुशल संचालन करके अपने समय को सभी सीमाओं को बांध के और सुचारू रूप से यहाँ ये कार्यक्रम का संचालन किया, उस सबका भी। और आभार विधि का ये बात है कि बाहर यहाँ छोड़ के जाना, जो बाहर जो हमारे व्यस्त दौर में हम जो लेके चलते हैं, जैसे कल डॉक्टर प्रेम मसंद ने कहा कि टेंशन ये इधर उधर ये सारा बाहर छोड़ने के लिए ही हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारे सीनियर ब्रदर्स का भी ये प्रेरणा है कि सभी एक संतुलित जीवन जिए, खुशी मौज से जिए, उसी प्रयास से ये करुणा जी और सभी ने प्रयास किया है, उसका सही रूप में आप बाहर छोड़ के जाएंगे, तो हम सबका आप सबका भी आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। आपका भी बहुत धन्यवाद। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, संवर सकती है आध्यात्मिकता से मीडिया, तब गूंजेगी गुणों की साज, मूल्यनिष्ठ हो विश्व हमारा, यही संदेश है हमारा। थैंक यू।